नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी लिंकिंग लॉस। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो इंग्लिश ग्रामर इन वन शॉट, यानी कि बेसिक से एडवांस। कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो आरजीएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो पूरे भारत में, एक्चुअली भारत छोड़िए आप यहाँ पे, कि पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश की अगर जो तैयारी कर रहा है तो उसी के लिए बेनिफिशियल होगी। बस उसको क्या है, मेरी हिंदी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, मैं अगर स्टार्ट होऊंगा इंग्लिश के हिसाब से तो मैं रुकूंगा नहीं जी। समझ लीजिए, 6 महीने बाद जो है सूर्या सर आए हैं इंग्लिश की क्लास लेकर। इतने टाइम में प्लस में ही पढ़ाता था, लेकिन आज जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए यूट्यूब पे आ गया हूँ। और गुजरात जुडिशरी का एग्ज़ाम है 7 तारीख को, फिर आरजीएस का एग्ज़ाम है, फिर एमपी का है, फिर डीजीएस का है, फिर असम का है, तो सभी लोगों के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट रहेगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक को, जो कि है आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल्स की बात अगर हम करें तो देखो, एक तो तुम्हारे 395 आर्टिकल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन एक इंग्लिश में भी हमारे आर्टिकल है जो कि कितने होते हैं, लोगों को लगता है ये 3 होते हैं, बट एक्चुअली ये कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। एक होता है इनडेफिनेट, एक होता है डेफिनेट। अच्छा, ये दोनों में फ़र्क क्या है, चलो देखते हैं। इनडेफिनेट की बात अगर हम करते हैं जी, तो इनडेफिनेट का मतलब होता है जो कहीं पे भी लग जाते हैं, लेकिन वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में ही लगते हैं। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन, बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक रिमोट है, क्या है, एक रिमोट है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव अ रिमोट। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास रिमोट है, तो भी मैं क्या बोलूँगा, आई हैव अ रिमोट। यानी कि इनडेफिनेटली कहीं पे भी आ जाते हैं, वो आर्टिकल क्या होते हैं, ए और एन होते हैं। और जो डेफिनेटली यानी कि कोई एक स्पेसिफिक पर्पस से जो आते हैं, वो हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है। ये तो क्या है, हमारे आर्टिकल्स का प्लान, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जी, बिल्कुल मजा मा, बिल्कुल पहले ही बता देता हूँ, क्लास तो रहेगी लंबी, और इंग्लिश जो है, इंग्लिश को सहना 2.5 से 3 घंटे बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मेरी अगर माने आप, तो अगर आप लाइव देखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड में टुकड़ों में देखें तो भी चलेगा, लेकिन मैं क्या है, एक ही साथ कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। चलिए, ए और एन की बात करते हैं, तो आपको पता ही है ए, ई, आई, ओ और यू, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉवल्स कहते हैं। तो बचपन से हमने देखा है कि ये ए, ई, आई, ओ, यू जो है वॉवल्स के आगे एन लगता है, राइट जी। अंजलि जी, मैंने अभी 3 बार बोला है आरजीएस के लिए बेनिफिट है जी, बिल्कुल है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये जो वॉवल्स है, ठीक है, वॉवल्स के आगे आर्टिकल एन लगता है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। तो देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे एलिफेंट लिखा है, क्या लिखा है, एलिफेंट, तो उसके आगे एन लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे एच ओ यू आर लिखा है, है ना, हावर, आवर, आर, क्या पढ़ते हैं इसको, ठीक है, तो इसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि एच यहाँ पे वॉवल नहीं है, तो ये अपवाद है, ऐसा हमको सिखाया जाता है, बट ये बिल्कुल क्या है, गलत है। किसी भी ऐसा वॉवल का सीन ही नहीं है कि जो है यहाँ पे आर्टिकल एन आता है, ठीक है। जब भी हम हिंदी के स्वर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, हिंदी की स्वर की बात करते हैं, तो उन स्वर की ध्वनि यानी कि साउंड के साथ, किसके साथ में, साउंड के साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सी भाषा कराऊंगा मैं आपको जी। कौस्तव जी, जीके की ही चल रही थी इतने दिन से, आज पहली बार इंग्लिश की क्लास है तो चलने दो ना, है कि नहीं, डाउट्स लास्ट में लेंगे ना अपन, चिंता क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एन लगेगा स्वर के साउंड के साथ में। चलो देखते हैं जी, मैंने कहा था कि कंप्यूटर के बारे में कुछ नोट्स अवेलेबल आपको करवा दूंगा, जो आपको करवा दूंगा, फिलहाल अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं ना एक बार, इंग्लिश की क्लास है, बहुत बड़ी है, है ना, डाउट नहीं ले सकते, इस बात को समझिएगा, ठीक है। कमेंट ऑफ नहीं हो सकता है, ठीक है जी। मेरे को एक ऊपर लाइन लिखानी चाहिए थी कि दिस इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल
जी किसी भी स्टूडेंट का अगर कमेंट आता है और अगर आपको लगता है कि आप ही रिप्लाई कर दो, मैं नहीं करूं, तो आप लिख दीजिएगा यस, ठीक है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से। हाँ, स्वर के साउंड के साथ में क्या लगेगा, एन लगेगा, सिंपल सी बात है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे स्वर लिखता हूँ तो देखो ए आ रहा है ना, तो ए क्या है, एन लग रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको हावर नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, आर, क्या पढ़ते हैं, आर, ठीक है। आर को क्या कहते हैं, आ से साउंड है, और आ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्वर होता है, तो इसके साथ क्या लगेगा, एन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेंसिल, तो पेंसिल का तो पे से हो रहा है या प से हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे प जो है, जी बिल्कुल, हाँ ठीक है, तो प जो है यहाँ पे स्वर नहीं है, तो इसलिए क्या आएगा, अ पेंसिल आएगा। तो ये अपना क्या होता है, ए और एन के बीच में होता है। चलिए देखते हैं, जैसे पर्सन है, तो पर्सन तो प से आ रहा है स्टार्ट, तो अ पर्सन हो गया। कोई भी आप जो है किसी भी तरह से ये वाला जो है एकदम हमेशा सक्सेसफुल रहेगी ये चीज। एनिमल, एनिमल, एन एनिमल, ये देखो इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट पर्सन के साथ क्या आता है, एन आता है, ठीक है। हाँ देखो, इसको यूनियन बोलते हैं, य, यूनियन, ठीक है। इसके आगे क्या लगेगा, अ यूनियन लगेगा, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड पुखराज, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुपर मॉडल, ठीक है, इसको सुपर मॉडल नहीं बोलते, सुपर मॉडल बोलते हैं, अ सुपर मॉडल। यूनिफॉर्म, फिर से क्या है, य का साउंड आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, अ यूनिफॉर्म। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, अम्ब्रेला, यूम्ब्रेला नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला, तो क्या लगेगा, एन अम्ब्रेला। देखो सबसे ज्यादा भारी क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, MPCJ DJS का फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। आई फाउंड अ 1 रुपी नोट, तो 1 रुपी नोट है ना, 1 रुपी, तो वह हो गया, तो क्या हो जाएगा, ऑन रुपी तो बोलते नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। MLA, अच्छा ये देखो, ये तो बहुत ही भारी है, देखो M को ऐसे पढ़ते हैं, मले थोड़ी ना पढ़ते हैं इसको, M, तो A का साउंड आ रहा है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा, N लगेगा, ठीक है, N MLA। NIS ऑफिसर, क्या होगा, NIS ऑफिसर। फ्लावर, फ्लावर मत पढ़ना, फ्लावर, ठीक है, हाँ तो अ फ्लावर। वंस अपॉन अ टाइम होता है ना, बिल्कुल, वंस अपॉन अ टाइम होता है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आज की 3 घंटे की क्लास में मैं आपको बेसिक से एडवांस तक तो पहुँचा दूंगा, इससे ज़्यादा आप क्या बोले आप, ठीक है। अगला आता है हमारा आर्टिकल द। देखो द की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो द तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है यहाँ पे, हाँ किसी यूनिवर्सल थिंग की बात करते हैं। यूनिवर्सल थिंग का मतलब होता है जो ब्रह्मांड में एक ही है, ठीक है, उसकी बात अगर हम करते हैं तो क्या लगाते हैं, THE लगाते हैं। जैसे द यूनिवर्स, ठीक है, हाँ तो अब इसको मैं जो है ना यूनिवर्स तो पढ़ूंगा लेकिन द नहीं पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, द यूनिवर्स होगा, क्या होगा ये, द यूनिवर्स, द सन, द अर्थ। अरे सर ये क्या कर रहे हो आप, हाँ कभी आप द को दी पढ़ रहे हो, कभी आप द को द पढ़ रहे हो क्या रहा है ये, चलिए देखते हैं। द सन का मतलब यहां पे होता है कि जब कॉन्सोनेंट के साथ में THE आता है तो उसको द प्रोनाउंस करते हैं, और जब वोवल के साथ में THE आता है तब उसको क्या पढ़ते हैं, दी प्रोनाउंस करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अर्थ क्या है, ई जो है वोवल है, तो इसको दी अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए और दूसरा काम, ये तो पहला था यूनिवर्सल थिंग के साथ, दूसरा जो है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, अच्छा आपने देखा होगा स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे जो बेस्ट वाली जो चीज़ है, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ, वो जो है यहाँ पे बिफोर सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे हैं। चलिए देखते हैं, जैसे ही इज द, माई मिस्टेक, ही इज डैश, हाँ बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट लग गया ना,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल तीन तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगता है। तो यहाँ पे ही इज द बेस्ट जो है यहाँ पे स्टूडेंट है, एक तरह से कह सकते हैं। एक और जो है द का, एक और जो है जैसे एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, एक बार की बात है, जंगल में एक शेर रहता था। क्या रहता था? जंगल में एक शेर रहता था, यानी कि इन अ जंगल अ लायन वॉज, अ लायन लिव्ड, ठीक है, रहता था, है ना, तो पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। जी नहीं, द पेरिस नहीं बोला जाएगा ना, सिटी के नाम के आगे नहीं लगता है, ठीक है। तो डैश लायन वॉज वेरी एंग्री, तो अब हम उस लायन को जानते हैं, समझ रहे हो बात को। एक बार, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लायन, हाँ, द लायन वॉज वेरी एंग्री। तो ये जो द लगाया ना, ये क्या है, किसी स्पेसिफिक जगह की जगह लगा जाता है जहां, जिसको हम जानते हैं। अब चलिए देखते हैं, तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक थिंग के साथ में हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए, प्लीज ब्रिंग डैश कप ऑफ कॉफी, ठीक है, प्लीज जो है मेरे लिए एक कप ऑफ कॉफी लेके आए, कॉफी का कप लेके आए। तो यहां पे क्या होगा, प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है, ओके, पुट डैश कप ऑन द टेबल। अब मुझे सिर्फ इतना सा बताओ कि अब जो है ये कप ऑफ कॉफी जो है, ये हम इसी की बात कर रहे हैं वापस यहां पे, बिल्कुल इसी की बात कर रहे हैं। तो यहां पे क्या लगेगा, पुट द कप ऑन द टेबल। तो कोई स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं ये पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसके बाहर से आपके कुछ नहीं जाएगा, ये आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। हाँ, आप ऐसा सोच रहे हैं कि किसी किताब से ले लेंगे अपना, है ना, तो नो, आपको इस प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि करना क्या है। गुजरात जुडिशरी के लिए, एमपी जुडिशरी के लिए, दिल्ली जुडिशरी के लिए, हरियाणा जुडिशरी के लिए और आरजेएस के लिए कोई स्पेसिफिक किताब मार्केट में है ही नहीं, ठीक है। हाँ, वो कंबाइंड होती है, इंग्लिश के लिए कोई भी नहीं निकालता है। तो इसीलिए क्या है कि मैं आपको ई बुक दे दूंगा, ई बुक के अंदर पीछे क्वेश्चंस होंगे, वो आप देख लीजिएगा। जी बिल्कुल, झारखंड के लिए भी वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी। अगर आप चाहें उसका प्रिंट आउट निकाल लो, एक रुपए पर पेज में, या फिर आप क्या कर सकते हो, उसको ऑनलाइन देख लो। काम क्या है, पढ़ाई से मतलब है अपन को, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये द हो गया हमारा। रूल नंबर फर्स्ट, आर्टिकल का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज बींग मैंशनड फॉर द फर्स्ट टाइम। जस्ट अभी मैंने बताया था आपको, है ना, देखो अभी बोल रहा था मैं, वंस अपॉन अ टाइम, देखो आई लगता है ऑब्वियसली टाइम के साथ में। तो जी, हिमाचल का सिलेबस भेज देना, मैं चेक कर लूंगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज डैश ओल्ड मैन, फटाफट बताओ क्या लगेगा यहां पे, इसके बताना है ना फटाफट से। जी जय हिंद सर, एडियम्स और वोकैबुलरी का सिलेबस बहुत वाइड है, तो चिंता क्यों कर रहे हो आप, मैं देख लूंगा ना यार। हाँ, बेफिक्र रहो आप, ठीक है। डैश ओल्ड मैन वॉज वेरी रिच, ओहो बहुत महंगा, बहुत रिच था भाई, राइट। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या करते हैं आप। अरे ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन तो एन आएगा ना यहां पे, है ना। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन ओल्ड मैन, डैश ओल्ड मैन वॉज वेरी रिच। तो अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज बींग मैंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार मेंशन हो रहा है ओल्ड मैन का, तो ए या एन लगेगा, ए या एन लगेगा, है ना। और उसके बाद में जो है यहां पे क्या लगेगा, द ओल्ड मैन, ठीक है। हाँ, द ओल्ड मैन वॉज वेरी रिच, एकदम परफेक्ट हो गया। चलिए, जब पहली बार लगे तो लगाना है ए या एन, और जब सेकेंड टाइम लगे तो क्या लगाना है, द, सिंपल खत्म। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर टू है, बहुत ही शानदार रूल नंबर टू, कहता है कि जो आर्टिकल द है वो किस किस के आगे लगता है, रिवर्स, जितनी भी रिवर्स है, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी सीज हैं और जितने भी ओशन हैं, सभी के साथ द लगाना है। जैसे
द गैंजेस रिवर। देखो इसमें लिखा तो गंगा है बट हमको इंग्लिश में गैंजेस बुलाते हैं, ठीक है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यानी कि जितने भी आइलैंड्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, शिप्स, बड़े बड़े जहाज का नाम, जैसे द टाइटैनिक है ना, ओशियन सीज, गल्फ्स। अच्छा ये गल्फ कंट्री क्या होती है, गल्फ कंट्री क्या होती है ना, वो भी आप बताइएगा। और रेंजेस ऑफ माउंटेन। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छे से सुनिएगा। अच्छा आप सबको ये तो पता ही होगा ये क्या है, ये आपको पता है ये क्या है, अगर आपको अच्छे से पता होगा वैसे तो जी। ये हिमालयाज है, क्या है ये, हिमालयाज। और हिमालयाज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। क्या है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ जी अंजलि जी, आज की क्लास में मैं वापस रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये 3 घंटे की क्लास है ना, इस वजह से जी, इसीलिए। चलो देखिए यहाँ पे, हाँ अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा हिमालयाज और एक यहाँ पे बात करूँगा माउंट एवरेस्ट, तो हिमालयाज क्या है, माउंटेन चेन है। क्या है, हिमालयाज क्या है, माउंटेन चेन है, तो उसके साथ तो आर्टिकल द लगेगा, क्या है, लगेगा। लेकिन अगर कोई एक ही पीक है, एक ही चोटी है, हाँ तो उसके आगे कभी भी आर्टिकल द नहीं लगेगा, तो माउंट एवरेस्ट के साथ नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। आइलैंड अकेला नहीं होगा, आइलैंड्स ही होगा, ठीक है। हाँ अगर अकेला होता है तो लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आपको टेलीग्राम पे भेजना है सिलेबस। द गैंजेस रिवर, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द टाइटैनिक या फिर द शिवालिक रेंज ऑफ माउंटेन। जी क्लास के बीच में बताऊंगा कैसे आपको संपर्क करना है, चिंता ना करो। द शिवालिक होगा, बिल्कुल शिवालिक रेंज ऑफ माउंटेन्स है इसीलिए, ठीक है। हाँ फिर आगे देखते हैं, रिवर के साथ आएगा द रिवर, पैसिफिक ओशन के साथ आएगा। दुबई क्योंकि एक सिटी है, गल्फ कंट्री नहीं है, तो दुबई के साथ में नहीं, दुबई कोई कंट्री नहीं है, ध्यान रखिएगा। कंट्री का नाम तो यूएई है, कहाँ गया ये रहा, तो यहाँ पे द यूएई आएगा। हिमालयस के साथ मैंने अभी बताया द आएगा, माउंट एवरेस्ट के साथ नहीं आएगा। द ब्रह्मपुत्र रिवर, द गैंजेस रिवर, है ना, इतने सारे रिवर्स आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 3, जितनी भी, जी बिल्कुल वेस्ट बंगाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर बुक्स ऑफ रिलीजन या फिर रिलीजियस बुक्स। अच्छा आप सबको पता ही है ना, सबसे बड़ी किताब जो है महाभारत और रामायण, ठीक है, तो उसके आगे तो लगता ही है, ठीक है। मुस्लिम की सबसे बड़ी जो है यहाँ पे मुस्लिम्स की, वो क्या है, कुरान, तो द लगता ही है। क्रिश्चियंस की सबसे शानदार किताब बाइबल, तो क्या लगता है, यहाँ पे द लगता ही है। तो जितने भी रिलीजियस किताबें, चाहे वो द गीता है, द ऋग्वेद है ना, ये सारी की सबके साथ लगेगा जी। जी बिल्कुल, सिटी के नाम के आगे ना तो द आएगा, ना ए आएगा, ना एन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा जी। माउंट एवरेस्ट के साथ द इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो एक चोटी है, एक ही है, ठीक है। एक जब होती है ना तो उसके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता, ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग चीज। फिर अगला देखते हैं, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, स्टेट्स। स्टेट्स क्या होता है, ये स्टेट्स का मतलब होता है बहुत सारी कंट्रीज का एक समूह, उसको हम कहते हैं स्टेट्स। होटल्स, ठीक है, इसको होटल वोटल मत पढ़ना, ठीक है। हाँ ट्रेन्स, द दिल्ली के आगे तो लगता है ना सर, ना 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 ना, कभी दिल्ली के आगे नहीं लगेगा, द NCR के आगे लगेगा, NCR के आगे लगेगा, दिल्ली के आगे नहीं लगेगा, ठीक है। NCR के आगे क्यों लगेगा, क्योंकि वो नेशनल कैपिटल रीजन है, ठीक है। इसके आगे देखो, हम तो पढ़ते ही हैं द हिंदू। मैगजीन की बात करें, द फ्रंट लाइन हो सकता है, द प्रतियोगिता दर्पण हो सकता है ना, राइट, फ्रंट लाइन हो सकता है। हाँ न्यूज़पेपर में आता है बिल्कुल, ना ना, तो गलत है, गलत है, गलत है। अरे वो दिल्ली टाइम्स है भाई, हाँ वो द दिल्ली टाइम्स है, वो न्यूज़पेपर के साथ आता है, ठीक है। हाँ द विवांता, विवांता पता है किसका है, ताज, ताज का यूनिट है जी। फिर आगे देखते हैं, ट्रेन्स, ट्रेन्स की बात करें तो अभी वंदे भारत ट्रेन चल रही है अभी भाई, वंदे भारत एक्सप्रेस, हाँ तो उसके साथ तो द लगाएंगे ही। यूएसए, तो यूएसए के साथ तो द आता ही आता है, बिल्कुल सही है।
चलिए देखते हैं। यूएसए, यूनाइटेड, सॉरी यूएसएसआर, यूके, सभी के साथ में क्या है, आर्टिकल द तो आता ही आता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। राइट राइट, फटाफट से। ओके बिल्कुल। डिस्क्रिप्ट, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता देता हूं। अभी गुजरात जुडिशरी का एग्जाम है जी, कभी नहीं आता द इंडिया, कभी भी नहीं आता है, ठीक है, कभी नहीं लगाना गलती से भी। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू अ होल ग्रुप और क्लास, तो होल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल द लगाना ही लगाना है। चलिए देखते हैं, द वर्किंग क्लास, द मिडिल क्लास, ठीक है, वर्किंग क्लास हो सकता है, मिडिल क्लास हो सकता है। द शर्मास, द शर्मास का मतलब क्या हो गया, पूरी शर्मा फैमिली जी, बिल्कुल नहीं आएगा द लखनऊ, कभी नहीं आता लखनऊ, ठीक है, क्योंकि ये सिटी का नाम है, ध्यान रखिएगा, द शर्मास हो गया। फिर आगे देखते हैं, हाँ, द अंबानीज, ओहो हो, भारी भारी नाम है भाई, द अंबानीज, यानी कि अंबानी परिवार की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी द रिलायंस लिखा हुआ आ जाए तो क्या होगा भाई, ठीक है, तो रिलायंस पूरे परिवार की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक इसी से एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राइट, देखिएगा, द पंजाब आता है, बिल्कुल, पंजाब का मतलब होता है लैंड ऑफ फाइव रिवर्स जी। अंजलि जी, आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछिएगा सारे, मैं आपको एक एक का आंसर दूंगा जी, हाँ, सारे स्टेट्स के नाम बता देता हूँ मैं, हाँ, इसीलिए। चलो यहाँ पे मैं जो है आपको, देखो सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, उन कमेंट्स के चक्कर में यहाँ पे रह जाएगा, समझिए बात को, है ना, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। द शर्माज, अभी देखो मेरे को याद थी वो चीज़ आपको बतानी, हाँ राइट, चलिए देखो यहाँ पे, द शर्माज है, द शर्मा नहीं है एक्चुअली, ठीक है, शर्माज का मीन्स पूरी शर्मा फैमिली हो गई। अब अगला यहाँ पे जो बताना चाहता हूँ, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज के नाम के आगे, किसी भी लैंग्वेज के नाम के आगे आर्टिकल द नहीं आएगा, आर्टिकल ए नहीं आएगा और आर्टिकल ए भी एन भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे द इंग्लिश क्यों लिखा है मेरे भाई, है कि नहीं, यहाँ पे तो द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश हो गया, यहाँ पे द इंग्लिश क्यों लिखा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक्चुअली पीपल ऑफ इंग्लैंड है, क्या है, पीपल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है जी, ब्रिटिशर्स की बात कर रही है, ठीक है, ब्रिटिशर्स जी। अंजलि जी आप बता दीजिए, हाँ आप बता दीजिए, आप, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा जी, हाँ, पीपल ऑफ इंग्लैंड, द इंग्लिश का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है जी, हो जाएगी, आप मेरे से कर लीजिएगा, ठीक है, आपको अलाउ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो है सारा का सारा डाउट पूछ लीजिएगा आप। पीपल ऑफ इंग्लैंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, द इंग्लिश होता है, ठीक है, हाँ, तो द पीपल ऑफ इंग्लैंड स्पीक इंग्लिश, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्पेशल रूल, देखो भैया अब स्पेशल रूल आ गया है, इसको सिर्फ अपने दिमाग में बैठा लेना। चलिए देखते हैं, द प्रोफेसर एंड वाइस प्रिंसिपल, या वाइस प्रिंसिपल नहीं कह सकते, वाइस, हाँ ठीक है, प्रिंसिपल कह देते हैं, डैश कमिंग, ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया। फिर देखिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड एक्चुअली, हाँ हो गया, कमेंट्स ऑफ हो गए थे, ठीक है, द प्रोफेसर एंड द वाइस प्रिंसिपल डैश कमिंग। देखो मेरी राइटिंग क्या है, थोड़ी ज्यादा अच्छी है, पहले ही बता देता हूं मैं, तो राइटिंग पे आप मत जाइएगा, ठीक है, एक में लगाना है इज, एक में लगाना है आर, ठीक है, एक में इज लगाना है, एक में क्या लगाना है, आर। चलिए देखते हैं कौन एकदम सही करता है, द प्रोफेसर एंड वाइस प्रिंसिपल डैश कमिंग, और द प्रोफेसर एंड द वाइस प्रिंसिपल डैश कमिंग, बताना है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं जी।
फटाफट से बताएं एकदम से। तो एक बार तो यहां लिखा है, द कितनी बार लगा है भाई? एक बार लगा है। और यहां पे द कितनी बार लगा है? दो बार लगा है। लेकिन सर बीच में तो एंड लगा है ना, तो दोनों में आर आना चाहिए। नो, क्यों? मैं आपको बताता हूं। जब आर्टिकल द, बहुत ध्यान से ये रूल सुनिएगा, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। जब आर्टिकल द एक बार आता है और पोजीशन कितनी दी हुई है? दो, तो जो प्रोफेसर और वाइस प्रिंसिपल एक ही आदमी है, एक ही आदमी है। तो द प्रोफेसर एंड वाइस प्रिंसिपल इज कमिंग, क्योंकि वो एक ही आदमी है तो सिंगुलर हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द प्रोफेसर एक है एंड द वाइस प्रिंसिपल दूसरा है, तो दो जने हो गए ना, तो क्या आ जाएगा? आर। एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके बस इतना सा बता दीजिए ये रूल समझ आ गया है। इस क्वेश्चन को, इस रूल को तो मैं वापस रिपीट भी कर सकता हूं, बेफिक्र रहिएगा। हाँ, आप बताएं फटाफट से थम्स अप करके बता दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा रूल है कि अगर हमको ये समझ आ गया तो सारा काम हो जाए। थम्स अप मिल चुका है, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अभी कहाँ लिखने का टाइम है, पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। न्यूयॉर्क इज डैश लार्ज सिटी, ठीक है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। न्यूयॉर्क इज डैश लार्ज सिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। हाँ राइट, न्यूयॉर्क इज, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इज अ लार्ज सिटी, क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, अ लार्ज सिटी। सबका सही है यार, हाँ गजब कर रहे हो आप लोग तो, शानदार। और यहां पे जब सुपरलेटिव डिग्री आ जाता है, क्या आ जाता है भाई? सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या लगाएंगे यहां पर? न्यूयॉर्क इज द लार्जेस्ट सिटी, बात खत्म, इतनी सी बात है कि नहीं? बहुत ही शानदार, वेरी गुड। तो न्यूयॉर्क इज अ लार्ज सिटी हो गया, और न्यूयॉर्क इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूएस हो गया, पर्टिकुलर सुपरलेटिव डिग्री से पहले आ गया, एकदम परफेक्ट है। चलो भाई आगे। आई सॉ डैश वन आइड पर्सन, तो यहां पे वन आइड पर्सन को व से डिनोट करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? आई सॉ अ वन आइड पर्सन, ऑप्शन नंबर ए एकदम परफेक्ट है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माई सिस्टर विल कम, हाँ माई सिस्टर विल कम इन अ डे और टू, क्या हो जाएगा? इन अ डे और टू, एकदम परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ एक वर्ड ऑफ द डे आज कर लेते हैं बीच में। ऑब्सोलेट की बात अगर हम करते हैं तो ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित। देखो हिंदी मेरी क्या है कि बहुत खतरनाक है, क्या है? बहुत ही खतरनाक, खूंखार हिंदी है मेरी, बहुत मतलब फेरोशियस है। फेरोशियस मींस क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो अप्रचलित का मतलब होता है जो पहले काम में आता था अब काम में नहीं आता है। तो उसी तरह से इसका सिनोनिम बताना है, और सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड। तो लेटेस्ट तो नहीं हो सकता, अप टू डेट भी नहीं हो सकता। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन, जैसे मैं इधर हूं तो आप वहां पे हो, तो क्या हो जाएगा? समकालीन, ठीक है। लेकिन जो सुपर एन्यूटेड होता है, सुपर एन्यूटेड का मतलब होता है एंटीक, एंटीक का मतलब होता है ओल्ड डेटेड, ठीक है, प्राचीन। और ये सुपर एन्यूटेड है, इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रख लो कि सुपर तो ठीक है, ए डबल एन आएगा। गुजरात के स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन है ये सुपर एन्यूटेड वाला, गलत नहीं करिएगा एग्जाम में अगर आ जाए तो आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाते हैं। हाँ टेंस, ओ माय गॉड, ये जो सबसे भारी जो है ना वो टेंस ही तो है ना, पूरी जो इंग्लिश टिकी हुई है वो टेंस पे है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेंस के। चलिए आप सब बताएं कि हमारे कितने टेंस होते हैं, हाँ कितने टेंस होते हैं? सरदर्द जो है, डरावना जो है, बचपन से हम कोशिश करते हैं इसको समझने की, बट समझ ही नहीं आता है, करें क्या।
क्या बात है जी, 3 टेंस होते हैं, आप सब तो होशियार हैं। अरे 12, क्या बात है, 12 टेंस होते हैं जी। मैं आपको बता देता हूँ, टेंस अब आज की तारीख में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और यूके ने तो 8 साल पहले कर दिया था, बट न्यू अभी हमारे 2020 में है। टेंस सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं। ये क्या बात कर रहे हो सर आप, हम तो बचपन से 3 पढ़ते आ रहे हैं और आपने 2 ही कर दिया है, ऐसे कैसे कर दिया आपने जी। एक होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, और एक होता है पास्ट टेंस, ठीक है। और फ्यूचर जो है अब टाइम में आ गया है, किस में आ गया है, फ्यूचर जो है अब किस में आ गया है, टाइम में। तो सर हम फ्यूचर टेंस पढ़े ही नहीं क्या? हाँ, तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि क्या कर सकता हूँ मैं जी, आपको तीनों ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम जी। जी बिल्कुल शिवांश, आपको बिल्कुल कम नहीं पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, तो एक सिंपल सी रूल है। देखो भाई, हमारे जो गुजराती भाई बहन है, बिल्कुल, और भी बहुत सारे पूरे भारत के लोग हैं, तो कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी, चाहे गुजराती, मारवाड़ी, मणिपुरी, डोगरी भाषा, यूपी, मैथिली, सब भाषाओं का एक ही तोड़ है और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा भाई, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगेगा, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। अरे ये होता क्या है भाई, तो देखते हैं। मेन वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कोई एक्शन होना, ठीक है। हाँ जी, आज सब बचपन में, हाँ पूरा विश्वास उठा दूंगा मैं आपको आज, चिंता मत करिए आप जी। आज क्या है यहाँ पे, क्रिया मतलब कि जो एक्शन हो रहा है, जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या क्रिया कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना इसमें क्या है, मेन वर्ब है। देखो टीचिंग मेन वर्ब है ना, राइट। कौन पढ़ा रहा है, जब अपन क्वेश्चन पूछते हैं कौन, तो जो कौन होता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, कर्ता, इंग्लिश में कहें तो डूअर, वो कौन होता है, आई, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं और अभी एडवांस पे ले जाऊंगा, अभी हाथों हाथ ही अगले 5 मिनट में, ठीक है। फिर पूछते हैं अपन क्या या कहां, क्या पूछते हैं, क्या या कहां, तो क्या पढ़ा रहा हूं मैं, इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर कभी आपको आंसर ना मिले क्या, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। अब अगर मैं बोलता हूं कि आई टीचिंग इंग्लिश, क्या बोलता हूं, आई टीचिंग इंग्लिश, तो ये तो बिल्कुल ही वो अलग तरह की लगती है, आई टीचिंग इंग्लिश क्या होता है। तो मुझे सिर्फ एक इतना सा जानना है कि ये जो एम है, हाँ, इज है, आर है, इनका क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है क्या मुझको? हाँ, जैसे इंग्लिश का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी भाषा, टीचिंग का मतलब क्या होता है, पढ़ाना, आई का मतलब मैं होता है, तो इज का, एम का, आर का मतलब क्या होता है, आपसे पूछता हूँ मैं। आज तो बोतल भी नहीं लाया हूँ मैं, देखो, हाँ जी, तुम बहुत बदमाश हो गए हो आप। हाँ, किसी ने भी ऐसे नहीं लिखा कि है होता है, हाँ लिखा 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 लिखा, बस यही तो मैं चाह रहा हूं। हाँ है, कोई बोल, ये देखो है वाले आ गए हैं, बिल्कुल। तो इज का मतलब होता है, आर का मतलब होता है, और एम का मतलब क्या होता है, फिर से है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इनके कोई भी मतलब नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इज, आर, एम एक सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है वो, हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखिएगा। वाह, गुजराती में है की जगह 6, बहुत बढ़िया, ऑसम, यही यही तो हमारे जो भारत के लोगों की क्वालिटी है, बिल्कुल। आई एम टीचिंग इंग्लिश, हाँ, यू वर गोइंग होम, हाँ, और यहां पे क्या हो जाएगा, आई विल ईट पिज्जा। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट तो क्लियर है। यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स ये होते हैं, ठीक है, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब ये होते हैं, वाज और वर का मतलब क्या होता है, थे, ठीक है, हैं का थे, और फ्यूचर के क्या होते हैं, विल और शैल। चलिए देखते हैं, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत अच्छी सी बात बताना चाहता हूं, कि जब भी आप आईएनजी फॉर्म देखेंगे, क्या देखेंगे, आईएनजी फॉर्म, बहुत सिंपल है, ठीक है,
सिर्फ एक मेरी इस लाइन से आपके 6 टेंस हो जाएंगे, कितने 6 टेंस, 12 में से 6 हो जाएंगे। देखो आईएनजी फॉर्म का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है आईएनजी फॉर्म। सर हैज हैव एज वर्ब जब यूज होते हैं वो, जी बिल्कुल अभी आएगा तो बताऊंगा मैं आपको, 100% बताऊंगा मनदीप। जब आईएनजी फॉर्म होता है तो हम क्या लगाते हैं, कंटिन्यूस, और जब कंटिन्यूस होता है तो क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म। सिंपल सा है, 6 टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो 6 टेंस इससे हो जाते हैं। ठीक है, जब हम एस या ईएस फॉर्म लगाते हैं तो वो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्या होता है, ओनली प्रेजेंट सिंपल। जब हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो होता है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में थर्ड फॉर्म लगेगी। जब भी कोई पास्ट फॉर्म होती है, क्या होती है, जब भी कोई पास्ट, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस देखना है, वो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दैट्स इट। ठीक है, वो क्या है, पास्ट, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो फ्यूचर के साथ लगती है और मॉडल वर्ब के साथ लगती है। मॉडल वर्ब याद रखना, अभी आएगा आगे। ठीक है, चलो देखते हैं, सबसे पहली बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। जब भी इज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म आता है तो वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं किसका एग्जांपल लूं, जी अंजलि का ही एग्जांपल लेते हैं आज। ठीक है, अंजलि इज गोइंग टू कॉलेज। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है तो यहां पे अंजलि इज सब्जेक्ट। ठीक है, इज हमारा क्या है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग क्या है, कहीं जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेन वर्ब, और टू कॉलेज क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, लास्ट का पार्ट है, लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, अंजलि इज नॉट गोइंग टू कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आ गया यहाँ पे। हाँ तो हाँ बिल्कुल, इसका आंसर क्या होता है, जैसे अगर मैं हिंदी में बोलूं आपको तो उसका मतलब होता है रहा है, रही है एंड रहे हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, ये हो गया नेगेटिव। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, तो उसको हम क्या करते हैं, उल्टा, इज आ जाएगा पहले, अंजलि आ जाएगा बाद में, तो क्या हो जाएगा, इज अंजलि गोइंग टू कॉलेज। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आगे आया, ये कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क वाला, और जो लास्ट है वो क्या हो जाएगा, इजंट अंजलि गोइंग टू कॉलेज, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो है इसका बहुत बड़ा काम है। इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, इजंट होती है, आर नॉट की क्या होती है, अरंट होती है, और एम नॉट, देखो भाई यहां पे एम नॉट जो कि बहुत खतरनाक है, एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है एंट और अरंट। एंट लगती है यूएस में, अरंट लगती है यूके में, और हमको कौन सी याद रखनी है, यूके वाली, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन स्पोकन में तो सब चलता है, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है वो किसको समझता है, यूके को, तो एक तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी के साथ में, क्वेश्चन टैग। देखिए ये बिल्कुल नए तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग वाले बचपन में हमने नहीं पढ़े हैं। ठीक है, आज मैं बता देता हूँ। हाँ देखिए, सबसे पहला ध्यान से, अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है, क्या है भाई, इसको पॉजिटिव कहते हैं जी, और इसका जो क्वेश्चन टैग है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एग्जांपल कर लेते हैं, एक ही इज गोइंग होम, देखो होम से पहले कभी भी टू नहीं लगता है, होम से पहले टू नहीं लगता, चलिए देखते हैं, ही इज गोइंग होम, तो पॉजिटिव सेंटेंस है ये, कोई तरह का नॉट नहीं है। हाँ तो इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इज का क्या हो जाएगा, isn't, is not का क्या हो जाएगा, isn't हो जाएगा, और he का क्या हो जाएगा, he, ये होता है क्वेश्चन टैग।
अगर ये टेंस का पार्ट है, अगर एग्जाम में गलती से आ जाए तो हमको ये चीज़ आनी चाहिए। फिर आ जाते हैं अपन सेकंड पे। सेकंड क्या बोलता है कि अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है, उल्टा यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो जो उसका क्वेश्चन टैग है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, नेगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव का नेगेटिव क्वेश्चन टैग। चलिए देखते हैं, ही इज नॉट गोइंग होम। अब तो आप ही बता सकते हैं, ही इज नॉट गोइंग होम, सारे स्टूडेंट से आंसर चाहिए। स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं, जब आप अगर ऑनलाइन क्लास देख ही रहे हैं तो पूरा पूरा जो है इसका पूरा फायदा उठाए ना, चिंता क्यों कर रहे हो आप। ठीक है जी, बिल्कुल, मैं वापस इसको रिपीट करूंगा। अगर कोई सकारात्मक वाक्य है, यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं लिखा है, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, जैसे इज नॉट है तो इजंट बन जाएगा, है ना, आर है तो आरंट बन जाएगा, एम है तो अरंट बन जाएगा, वॉज है तो वॉजंट बन जाएगा, वर है तो वरंट बन जाएगा। लेकिन जब नेगेटिव ही दे दिया है सेंटेंस, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे इज नॉट है तो इज ही हो जाएगा, खत्म। ठीक है, एकदम परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो सबसे खतरनाक टेंस होता है वो यही है। ठीक है, यही है एक्चुअली। द गर्ल एक ही लड़की है, क्या है, एक ही लड़की है। तो जब सिंगुलर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिंगुलर की, तो एस या ई एस फॉर्म लगता है। क्या लगता है, एस या ई एस फॉर्म लगता है। तो द गर्ल एक है तो सिंग्स लगा, असों। ठीक है, जब लेकिन प्लूरल की बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये क्या है, ये सिंगुलर एस या ई एस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये सब चीजें क्या है, तो मैं आपको वापस लेके जाता हूं एक बार पीछे की साइड में। लो ऐसे ही चले जाते हैं, ये वाला। तो जब प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि बहुत ही इजी है, और जब सिंगुलर होता है तो एस या ई एस फॉर्म। ये एक्चुअली उल्टा है। ठीक है, सिंगुलर के साथ में एस ई एस फॉर्म आएगी और प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं अभी आपको बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में भी आपको सिखाऊंगा ये वाला, चिंता ना करिएगा। चलिए देखते हैं, अगर मैं बोलता हूं माय फ्रेंड, ठीक है, तो ये है एक सिंगुलर। ठीक है, और इसका अगर मैं प्लूरल बनाऊं तो मैं क्या बोलूंगा, माय फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे से सुनिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। माय फ्रेंड मतलब एक, और माय फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे। डैश डैश क्या लगाना है वो अभी अपन बताते हैं। डेली क्रिकेट, डेली, डेली का मतलब है एक रूटीन होना। क्या होता है, डेली का मतलब होता है रूटीन होना। तो मेरा दोस्त डेली क्रिकेट खेलता है और मेरे दोस्त डेली क्रिकेट खेलते हैं। तो जब यहां पे मेरा दोस्त है तो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, तो उसके साथ तो हमेशा क्या आएगा, प्लेस। सिंगुलर के साथ क्या आएगा, एस या ई एस फॉर्म आएगी, प्लेस। और जब प्लूरल है, माय फ्रेंड्स हैं, तो क्या लगा देंगे, प्ले। ठीक है, ये हो गया सरल भाषा में। अब उससे भी ज्यादा लोकल भाषा में आप आपको समझा रहा हूं मैं। जब यहां पे एस नहीं आता तो एस लगा दो, और जब यहां पे एस आता है तो यहां पे नहीं लगाना। तो ये एकदम क्या है, थोड़ा सा और ज्यादा सिंपल वे में आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं हम, अगर यहां लिखा हुआ है द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, अब इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, देखते हैं। द गर्ल डज नॉट डैश अ सॉन्ग, ये होगा इसका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब मुझे बस बता दो, यहां पे सिंग्स लिखा है, यहां क्या लगाऊं बता दो, बस इतना सा बता दो, यहां क्या लगाऊं। द गर्ल डज नॉट डैश अ सॉन्ग, तो जब भी, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल सही है, जब भी यहां पे डज आ जाए, क्या आ जाए, डज, तो इसके साथ हमेशा क्या होगा, सिंग होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सिंग अ सॉन्ग होगा, बिल्कुल,
क्योंकि डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ठीक है, इसी तरह से यहां पे भी लिखा एक द गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग. तो यहां पे इसका जो नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या हो जाएगा? द गर्ल्स डू नॉट सिंग अ सॉन्ग. इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि यहां पे तो पहले से ही फर्स्ट फॉर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है. ये हमारा क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि हमारे पूरे भारत के अंदर, देखो सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर एरिया की तो कर ही रहा हूं, हमारे पूरे भारत में ये सीन है कि भाई हैज कहां लगता है और हैव कहां लगता है. तो मैं आज आपको बताता हूं कि जब भी सिंगुलर होता है तो उसके साथ हैज, एक वचन यानी कि सिंगुलर यानी हैज, और प्लूरल के साथ क्या लगता है? हैव. और एक इसमें छोटा सा अपवाद है कि आई के साथ में हैव लगाना है. सबसे बड़ा मैटर यही है. आई के साथ कभी आपने हैज देखा नहीं है? बचपन में एक छोटा सा बच्चा, मतलब छोटा मतलब इतना, हाँ इतना तो होगा, इतना मतलब हाँ, तो वो बेचारा यही परेशान हो जाता है कि भाई आई के साथ हैज नहीं लगा, आई सिंगुलर है या प्लूरल है. ये बहुत परेशानी होती, सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी सबके साथ होता है. चलो, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का मतलब होता है हैज और हैव, और परफेक्ट का मतलब मैंने जस्ट अभी आपको 5 मिनट पहले बताया था कि वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है, बताया था मैंने आपको. तो जब भी हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट. लेकिन लेकिन कभी हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ना आए, नहीं आए, तो वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल. जब नहीं आए तो वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल. अब आते हैं अपनी बात पे. आई हैव अ कार. ठीक है जी, आई हैव अ कार का मतलब है मेरे पास एक कार है, मेरे पास भी है एक कार. तो यहां पे कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, है ही नहीं, तो फिर हम इसको कैसे परफेक्ट में डालें? तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ठीक है जी, बिल्कुल हाँ. और जब यहां पे हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए यानी कि आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो क्या हो जाएगा? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क, हैव आई कंप्लीटेड द वर्क, या फिर हैवंट आई कंप्लीटेड द वर्क, ये वाला सेंटेंस एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है. क्या आ जाता है? डायरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. बहुत ही शानदार टेंस है ये. जब अगर मैं बोलता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये किताबी ज्ञान पे नहीं जाना है, इंग्लिश को आप जितना याद करेंगे ठीक है, हाँ वो उतना दूर भाग जाएगी. पानी को आप पकड़ सकते हो क्या हाथ से? तो वैसे इंग्लिश जो है माइंड में ग्रैब करने की कोशिश करोगे वो भाग जाएगी. तो मेरी भाषा को सुनो, समझो और फिर आंसर्स कर सकते हो आप. ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं. क्या है? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं. तो ये क्या हो गया कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, या फिर मैं 1 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, यानी कि समय दे दिया. क्या दे दिया? समय. तो क्या होगा? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 आवर, या फिर आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग. तो ये चीज ध्यान रखना है, जिसमें भी सिंस और फॉर का यूज होता है ठीक है, और एक समय दे दिया, पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया है, तो वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, या पास्ट परफेक्ट होगा, या फिर फ्यूचर परफेक्ट होगा. वो टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करेगा. चलिए तो देखिए, आई हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 घंटे से कर रहा है तो होगा यहां पे 2 आवर्स. अब बात करते हैं जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. क्या है? नेगेटिव सेंटेंस. तो हैव बीन है हेल्पिंग वर्ब, तो नॉट दोनों के बीच में आएगा. तो आई हैव नॉट बीन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर्स, हैव आई बीन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर्स, और हैवंट आई बीन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर्स. कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पहला और दूसरा वर्ड को ही देखना है, तीसरे चौथे को छोड़ दो. अब देखो दूसरा, अब बात करते हैं
सेंस कहाँ आएगा और फोर कहाँ आएगा, दो अलग अलग भाषाओं में समझाऊंगा, मतलब कि दो अलग अलग तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। चलो देखें, सबसे पहला तरीका, सेंस जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट के साथ आता है। किसके साथ आता है? स्टार्टिंग पॉइंट। जी मैं दो बार नहीं समझाऊंगा, मैं तीन बार समझाऊंगा, सॉरी, है ना, ये मेरी आदत थोड़ी खराब है, एक एक स्टूडेंट तक जब तक नहीं पहुंच जाती है तब तक मेरे बैठता नहीं है। तो सिंस यानी कि जब शुरुआत हुई है किसी चीज की, क्या हुई है? शुरुआत। और जब यहाँ पे मैंने फॉर लगाया तो फॉर क्या होता है? कोई टोटल ड्यूरेशन। ये तो क्या हो गई भाई? टेक्निकल भाषा हो गई, टेक्निकल भाषा। सिंस जब शुरुआत हुई है, जैसे 5 बजे से, तो सिंस लगेगा। लेकिन जब अवधि दे दी, टोटल पीरियड दे दिया, तो क्या लग जाएगा? फोर लग जाएगा। जैसे 5 घंटे दे दिए, फोर। दूसरी चीज, सिंस लगता है अनसर्टेन के लिए, यानी कि एग्जैक्ट चीजें नहीं पता हमको, तो क्या लगा देंगे? सिंस। और जब एग्जैक्टली पता है तो क्या लगा देंगे? फोर। अब दूसरी चीज देखें, यह है अभी अपना 2000, क्या है? 2000 हो गया। और यह है हमारा 2023। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां लिखता हूं डैश 2000, क्या लिखता हूं? डैश। तो 2000 क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम में क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम। देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो हमको क्या लगाना है? सिंस। सन 2000 से, सिंस 1947, सिंस 2000, सिंस 2010, सभी का आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखता हूं 23 ईयर्स, क्या लिखता हूं? 23 ईयर्स। तो ये क्या हो गया? एक पीरियड हो गया। क्या हो गया? पीरियड। ये पूरा पीरियड है एक। तो पीरियड के साथ हम क्या लिखते हैं? फोर लगाते हैं। चलिए एग्जांपल करते हैं, 5 बजे से, तो 5 बजे एक फिक्स टाइम है, ये 5 PM, लेकिन 5 घंटे क्या है? एक अवधि है। तो इसके साथ क्या लगाएंगे? फोर। और इसके साथ क्या लगाएंगे? सेंस। बचपन से, अब बचपन जो है यहां पे अनसर्टेन है, तो यहां पे क्या लग जाएगा? सेंस। ठीक है, बहुत सारे लोगों का तो बचपन 25-26 साल में भी होता है ना, राइट? आपको पता ही है, वो मेरे बाबू ने खाना खा लिया क्या, और वो मारवाड़ी, सॉरी, तोतलापन लैंग्वेज जो निब्बा निब्बी वाली चलती है, आपको पता ही है, तो वो सिंस वाला। ठीक है, तो वो तो अपने आप को अभी भी बच्चे ही समझते हैं। फिर देखिए, सिंस 1953 है कि नहीं? 10 दिन, 10 दिन की बात अगर हम करते हैं तो अवधि दे दी ना भाई, तो 4 10 डेज हो गया, बिल्कुल परफेक्ट है। 20 ईयर्स की बात करें अगर हम, तो क्या हो जाएगा? 4 20 ईयर्स। अ डिकेड, डिकेड मतलब क्या होता है यहाँ पे? 10 साल। क्या होता है? 10 साल। हाँ जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं बाबू, भूखा ही मर जाएगा ना, बार बार तो पूछ रहे हो आप, तो कम मैसेज करें या फिर खाना खाएं, बताओ एक बात है कि नहीं। देखो, फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है, आपको अच्छे से पता है ये, फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है। सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स, कितना होता है भाई? 100 ईयर्स। तो फॉर अ सेंचुरी, और लास्ट है इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जी मैं आपको बताता हूँ, मैं इतने टाइम से जीके सिर्फ जीके पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश की एक क्लास होती 9-15 बस, हाँ, बाकी टोटल इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, सॉरी जीके पढ़ा रहा हूँ, राइट। अब बात करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस की। जी डेली करंट अफेयर्स का क्या हुआ सर? जी वो क्या हुआ कि मैंने उसको वीकली कर दिया है, इस महीने छोटा सा मेरा एग्ज़ाम है, हाँ, तो एग्ज़ाम के चलते जो है सिर्फ इस महीने के लिए मैंने वीकली किया है, अगले महीने से वापस डेली कर दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं, इज और एम का पास्ट होता है वॉज, इज और एम का क्या होता है? वॉज। और आर का पास्ट होता है वर। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, क्या किया? आई एम टीचिंग इंग्लिश, उसका पास्ट क्या हो जाएगा? आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है जी, जी डेली इंग्लिश की नहीं करा सकते हैं, समझिए इस बात को जी,
सर जीके का टाइम क्या है जी? बताते हैं पहले, अभी अपन इसको कर लेते हैं, टेंस का फ्लो टूट जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो शी वॉज गोइंग शॉपिंग, पास्ट कंटिन्यूस, वॉज के साथ आईएनजी देखते ही पास्ट कंटिन्यूस। मजे की बात तो ये है कि एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा लिखा हुआ कि दे वर गोइंग शॉपिंग, कौन सा टेंस है बताओ। आईएनजी फॉर्म देखते ही कंटिन्यूस याद कर लेना, वॉज देखते ही पास्ट याद कर लेना, पास्ट कंटिन्यूस। समझ में आई बात? अब जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं यहां पे क्वेश्चन लिखूंगा, आप वहां पे आंसर लिखिएगा। ठीक है, चलिए। ही हैज डन द वर्क, जल्दी जल्दी आंसर देना है ना। दूसरा क्वेश्चन है, आई वर्क हार्ड, शी वॉज नॉट स्लीपिंग। चलिए देखते हैं कौन एकदम सही बताता है। राइट, 00 क्या होता है? ये मैं ऊपर चला गया कमेंट, एक बार देखना पड़ेगा इन्होंने क्या कमेंट किया है, मुझे समझ नहीं आया है जी, मैं पीछे देख रहा था इस वजह से। चलो मोबाइल में देख लेते हैं। इसमें तो कमेंट ही नहीं आ रहा है भाई। हाँ, एक बार फिर रिपीट कर सकते हो ये जी? क्या चीज़ रिपीट करनी है बताइएगा फटाफट से। चलो, अरे क्वेश्चन टैग है ये, क्वेश्चन टैग। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूस वापस रिपीट करूं, सिंगुलर का मतलब एकवचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। क्वेश्चन टैग है ये, क्वेश्चन टैग, टेंस बता रहे हो आप। चलो बहुत बढ़िया है, टेंस भी बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ये। चलिए देखिए, ही हैज डन द वर्क पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा? हैजंट ही। और इसका टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। बिल्कुल सही है आप सभी का, मैं कहना चाहूंगा सबका सही था ये। सेकेंड, आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड का क्या हो जाएगा यहाँ पे? डोंट आई, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। और शी वॉज नॉट स्लीपिंग तो क्या हो जाएगा? वॉजंट है ना, तो शी वॉज नॉट स्लीपिंग का तो क्या हो जाएगा? वॉज शी। और ये कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, एक बार जो है फटाफट से मैं पास्ट कंटिन्यूस वापस समझा रहा हूं, है ना। पास्ट कंटिन्यूस जब भी वॉज और वर्क के साथ में कौन सी फॉर्म आए? आईएनजी फॉर्म आए। तो वॉज वर्क का मतलब तो क्या होता है? पास्ट। आईएनजी फॉर्म का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? कंटिन्यूस। क्या बताया था? कंटिन्यूस। तो इस टेंस का नाम क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ठीक है, जैसे हाँ सर, वन का पास्ट होगा, वन का पास्ट कैसे होगा? ना प्रेजेंट परफेक्ट है ना, हैज लिखा है ना जी। ठीक है, हाँ, शी वॉज गोइंग शॉपिंग, तो वो शॉपिंग जा रही थी। ठीक है, जिसके भी लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे होता है, वो होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो यहां पे ध्यान से, पास्ट सिंपल टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं। ठीक है, पास्ट सिंपल के अंदर हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? ओनली सेकेंड फॉर्म आती है, तो इसमें कोई टेंशन है ही नहीं। चलिए देखते हैं, हमेशा क्या है? हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। आई डैश क्रिकेट डेली, आई डैश क्रिकेट यस्टरडे। एक्चुअली क्या है कि हमको कीवर्ड देख के आंसर करना है। क्या है? कीवर्ड देख के आंसर करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं जी। सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, प्रोनाउन लगता है, ही शी इट ऐसा कुछ लगता है। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो आई डैश क्रिकेट डेली। ठीक है, तो आई यहाँ पे डेली लिखा है, डेली का मतलब है हर दिन, और हर दिन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? प्रेजेंट, और वो भी कौन सा? प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि रूटीन है ना, तो प्रेजेंट सिंपल। तो इसका क्या हो जाएगा? आई प्ले क्रिकेट डेली। फिर देखिए,
आई डैश क्रिकेट यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब क्या है, हाँ पिछले दिन, तो क्या हो जाएगा, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, एकदम परफेक्ट हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सा खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस सेंटेंस को मैं हटा रहा हूँ, अब ये ऊपर तो आता नहीं है, ऊपर आता है क्या, नहीं आ सकता, चलो कोई बात नहीं, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। अब इसका जो है नेगेटिव क्या होगा, देखें, ठीक है, बहुत जरूरी है ये चीज, समझिएगा इस चीज को, है ना, नेगेटिव होगा आई डिड नॉट डैश क्रिकेट यस्टरडे। जी फटाफट से बताएं इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएं, आई डिड नॉट प्लेड लगाऊं या प्ले लगाऊं, बिल्कुल डिड आ गया तो क्या होगा प्ले, यही चीज मैं इधर समझा रहा हूं, डू डज और डिड, डू और डज का पास्ट क्या होता है डिड, डू और डज का पास्ट क्या होता है डिड आता है। ठीक है, और यहां पे चाहे डू नॉट लिखा हो कहीं पे, चाहे डज नॉट लिखा हुआ हो, चाहे डिड नॉट लिखा हुआ हो, बिना कुछ सोचे समझे आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिक्स याद कर लो, रट लो दिमाग के अंदर। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, एक स्टूडेंट का जो दिमाग होता है, ठीक है, वो हमेशा एक ये चीज जरूर सोचता है कि मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, क्या सोचता है, भूल तो नहीं जाऊंगा। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, जो मैं ये चीज समझाता हूं ना, सिर्फ आपको सुनना है, ना तो नोट करना है कहीं पे, ना कुछ करना है, सिर्फ मेरी बातों को क्या करना है, सुनना है बस, और वो जो सुनी हुई चीज है ना, उसका मैजिक आप अपना आप दिख जाएगा, वो सारा मेरा काम है, आपका सिर्फ काम क्या है, सिर्फ सुनना है और जो क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर देना है। ठीक है जी, बिल्कुल ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर, ठीक है, हाँ इट डैश क्लोज्ड, यानी कि जब मैं बुक स्टोर पहुंचा था तो वो क्या हो जाता है, हाँ वो बंद हो गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब मैं बुक स्टोर पहुंचा था वो बंद हो चुका था। तो मुझे एक बात बताओ, मैं जब पहले पहुंचा था या फिर बुक स्टोर पहले बंद हो गया, तो पहले तो ये बंद होगा ना, तो ये तो कौन सा टेंस था, पास्ट सिंपल, ये कौन सा था, पास्ट सिंपल, और इसका भी जो पास्ट है वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में क्या लगाना है, हेड लगाना है, सबके साथ हेड लगाना है। ठीक है, हाँ जी, बुक स्टोर पहले बंद हुआ ना, उसके बाद मैं वहां पहुंचा था, तो यहां पे क्या है, हेड क्लोज्ड, हेड क्या लगेगा, क्लोज्ड, खत्म मैटर, सुमित हैड लेफ्ट द जॉब, तो सुमित ने क्या है, जॉब छोड़ चुका था। ठीक है, आई हैव डन द वर्क का मतलब होता है कि मैं काम कर चुका हूं, ठीक है, और आई हैड डन द वर्क का मतलब होता है मैं काम कर चुका था। एक और एग्जांपल, When I, बचपन से ये वाला सुना होगा आपने, When I reached the station, the train had already gone. यानी कि मैं जब स्टेशन पहुंचा था उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, तो मैं तो स्टेशन पहुंचा था पास्ट में, है ना, लेकिन ट्रेन तो उससे भी पहले चली गई, यानी कि पास्ट का पास्ट हो। अच्छा, एक सिंपल सा तरीका कर लेते हैं अपन, मैंने पास्ट कंटिन्यूस से पहले, क्या पास्ट कंटिन्यूस से पहले आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा चुका था, तो ये तरह से कह सकते हैं जी, थोड़ा सा पॉइंटर मैं बढ़ा देता हूं, है ना, तो सही रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, एकदम परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बता देता हूं, हैज बीन और हैव बीन का पास्ट होता है हैड बीन, तो यहां पे भी ऐसा ही होगा, आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, लेकिन 2 घंटे इंग्लिश मत पढ़ना,
40 मिनट, 45 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट, एक घंटा भी मत पढ़ना, मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। एक क्लास होती है मेरी एक घंटे की, एक घंटे की भी नहीं होती, वो 40-45 मिनट की होती है, वो देख लेना। और ये वाली इसीलिए बता रहा हूँ मैं ताकि क्या है कि ये आप कभी भी आपको टाइम मिले तो देख सकते हो। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग, हैड आई बीन स्टडिंग और हैडंट आई बीन स्टडिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो ये वाला टेंस है, हाँ जी, यू कैन गो, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, हाँ यू कैन गो, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं अपन। सर ऐसे टेंस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में आएंगे क्या? जी बिल्कुल, यही बता रहा हूँ मैं। फ्यूचर सिंपल टेंस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट के साथ आता है मॉडल वर्ब, क्या आता है? मॉडल वर्ब। और हर मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हर मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, विल और शैल एक मॉडल वर्ब है। विल और शैल भी क्या है? एक मॉडल वर्ब है। इसका मतलब यह है कि विल और शैल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए देखते हैं जी, आई विल डू द वर्क, जी बिल्कुल उसी पे कर देते हैं, आई विल डू द वर्क। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई विल डू द वर्क। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस लिखना है अपने को तो क्या हो जाएगा? आई विल नॉट डू द वर्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखना है तो क्या हो जाएगा? विल आगे आ जाएगा, आई पीछे आ जाएगा, विल आई डू द वर्क। और लास्ट क्या हो जाएगा? विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वोंट। क्या होता है? वोंट, वोंट आई डू द वर्क, ठीक है, राइट जी। बहुत सारे जगह पे ऐसा लिखा गया है कि आई और वी के साथ में क्या आएगा? शैल आता है और बाकी सब के साथ विल आता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं? अब इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ो उसको, ठीक है। हाँ इसी सिर्फ एक इसी रीज़न की वजह से फ्यूचर टेंस को ही हटाना पड़ गया, क्योंकि इसको क्या है अब चेंज कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ, शैल का मतलब क्या हो गया है? शायद। और विल का मतलब क्या हो गया है? पक्का। इसका मतलब हो गया है नॉट श्योर, 50-50, और इसका मतलब क्या हो गया? श्योर। अब मजे की बात यह है कि लॉ के अंदर शैल को मैंडेटरी कहते हैं। तो ये आप सर घुमा रहे हो, चक्कर आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हो? तो इस वजह से कोई भी जुडिशरी के पेपर के अंदर विल और शैल का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप चिंता ना करिएगा, अगर गलती से क्वेश्चन आ जाता है तो 100% आप रिट लगा सकते हो, लेकिन आएगा ही नहीं क्योंकि वो उन सबको पता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जी। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ तो होती है इतनी सी नॉलेज, कुछ होती है आधी अधूरी नॉलेज, और कुछ होती है पूरी नॉलेज। तो जो आधी अधूरी नॉलेज है ना, वो हमेशा क्या है? खराब है। कि कोई पूछ ले कि क्यों नहीं आएगा, क्या नहीं होगा, तो ये सारी बातों का आंसर हमेशा अपने पास में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करते हैं तो कंटिन्यूस का मतलब मैंने क्या बताया था? मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ थोड़ा मुझे बता दो प्लीज, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? मैं पानी पी लेता हूँ जब तक, है कि नहीं? राइट, पानी में से गुलाब की खुशबू आ रही है, रोज, वाओ बढ़िया है, ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड। यानी कि कंटिन्यूस का मतलब तो आईएनजी होता है, बिल्कुल खत्म हुई बात। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहां पे हो जाएगा विल बी। तो जब विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फ्यूचर है, आईएनजी फॉर्म है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया भाई, खत्म मैटर, तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। ओ मैं कल जिम जा रहा हूंगा, जी ये तो मैं पिछले 2 साल से बोल रहा हूं, जी 2 साल से बोल रहा हूं मैं, हाँ आई विल बी गोइंग जिम टुमारो। सर 40% डिस्काउंट ऑफर खत्म, जी बिल्कुल ऑफर खत्म हो गया है,
अच्छा, अन अकेडमी 7 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन लाई है तो गुजरात जुडिशियरी वाले ले लो, फ़ायदा उठा लो। कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास देखनी हो प्लस की तो देख सकते हैं। कोड क्या है? लिंकिंग, ध्यान रखिएगा। आई विल नॉट बी गोइंग जिम टुमारो, विल आई बी गोइंग जिम टुमारो और वोंट आई बी गोइंग जिम टुमारो, ठीक है। हाँ, ये जो है यहाँ पे गलत है, ये क्या है यहाँ पे, हाँ गलत, इसको ये एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कैसे है देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ विल हैव या शैल हैव आए। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब कभी लिखा हुआ आ जाए बाय द टाइम, बाय नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर की जगह मंथ लिखा हुआ आ जाए, क्या आ जाए, मंथ लिखा हुआ आ जाए, या फिर अगर मैं आपको बोलूँ बाय नेक्स्ट डे लिखा हुआ आ जाए या वीक लिखा हुआ आ जाए, कहीं कहीं बाय लिखा हुआ आ जाए, तो वो जो होता है जी, हाँ वो जो होता है वो कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट लिख रहा था मैं वैसे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। चलिए देखते हैं जी। जी बिल्कुल सुभाष तोमर जो है, मैं आज ही बात करता हूँ 40% डिस्काउंट की, ठीक है। जैसे ही होगा मैं आपको हाथों हाथ पहले बताऊंगा, ठीक है, डन। चलो देखें, मैं कल तक काम खत्म कर चुका हूँगा। कल तक, तो कल तक का मतलब क्या होता है? बाय टुमारो, ठीक है। मैं अगले साल तक, अगले साल तक अमीर हो चुका हूँगा, तो क्या हो जाएगा? बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी विल हैव कम्प्लीटेड द असाइनमेंट बाय दिस वीक, यानी कि वो जो लड़की है वो इस हफ्ते तक काम खत्म कर चुकी होगी, यानी कि असाइनमेंट कंप्लीट कर चुकी होगी। तो कर चुकी होगी का मतलब क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, शी विल हैव कम्प्लीटेड द असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक, शी विल नॉट हैव कम्प्लीटेड द असाइनमेंट बाय दिस वीक, विल शी हैव कम्प्लीटेड, नो। सिर्फ पहले दो सेंटेंस पे ध्यान देना है। जब भी, अब देखो एक क्वेश्चन है यहां पे, बहुत ध्यान सुनिएगा। अ बुक विल हैव बीन ये है एक क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अ बुक विल हैव बीन, और यहां पे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है कंप्लीट, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है कंप्लीटेड, ठीक है। तो हमको पता है कि यहां पे विल हैव बीन है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। जी बिल्कुल, इसकी जगह पब्लिश्ड भी आ सकता है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है, राइट, बाय मी। और फिर यहां पे क्या लिखेंगे फटाफट से बताओ, यहां पे क्या लिखेंगे बताना है। हाँ राइट, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, है ना, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। इंग्लिश सेकेंड नाम की फाइल है, उसमें डाल दे। ओके, और यहां पे क्या हो जाएगा? बाय नेक्स्ट वीक, क्या हो जाएगा? बाय नेक्स्ट मंथ। तो अ बुक विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी बाय नेक्स्ट मंथ, एकदम परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे, और है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक मजे की बात बताता हूँ, इसको छोड़ दो, ठीक है। हाँ, गलती से भी दूर दूर तक ये टेंस को पढ़ना भी मत, देखना ही मत कि क्या है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बस इतना सा बता रहा हूँ कि ये होता क्या है। मैं कल 2 घंटे तक पढ़ चुका हो रहा हूँगा, तो ऐसा हम ना स्पोकन में यूज करते हैं ना कॉम्पिटिशन एग्जाम में यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 डेज, आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 डेज, और ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं।
ठीक है, ये टेंस नहीं पढ़ना है हमको। अच्छा एक चीज आप सुन लीजिए, लिंकिंग रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहा है 4 मई से। कब से? 4 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है, 12 महीने का है ये, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बहुत सुकून दिलाऊंगा आज की क्लास में, यही पढ़ के जाना है अभी, गुजरात जुडिशरी वालों को इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है जी, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से सुनो, इस आर एम के साथ अगर आईएनजी फॉर्म आता है, बहुत देखो मैं सिर्फ 2 मिनट में रिवाइज करा रहा हूं, कितने मिनट में? 2 मिनट में, काउंट कर लो वॉच के अंदर। इस आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म आता है तो वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। इस आर एम का पास्ट क्या होता है यहां पे? वॉज वर। वॉज वर के साथ जब आईएनजी फॉर्म आता है तो वो कौन सा टेंस हो जाता है? पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। और जब यहां पे विल बी और शैल बी के साथ कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म, तो वो कौन सा टेंस हो जाता है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि सभी में आईएनजी फॉर्म है तो कंटिन्यूस आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया? कंटिन्यूस पूरा हो गया। दूसरा, जब यहां पे मैं बात करता हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू या डज या फिर एस या यस फॉर्म आती है तो वो कौन सा टेंस हो जाता है? प्रेजेंट सिंपल। अच्छा प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इनडेफिनेट भी बोल सकते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म जब भी आती है या फिर कभी कभी डिड आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस में आता है, वो कौन सा होता है? पास्ट सिंपल। जब भी कभी, देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी कभी विल के साथ या फिर शैल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फ्यूचर टेंस आती है, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर सिंपल। नेक्स्ट, जब भी कभी हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जब भी कभी हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या फिर जब भी कभी विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये सारे के सारे परफेक्ट टेंस होते हैं। हैज हैव क्या होता है? प्रेजेंट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? परफेक्ट। हैड क्या होता है? पास्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? परफेक्ट। और विल हैव क्या होता है? फ्यूचर, और फ्यूचर के साथ क्या आता है? परफेक्ट। इट्स परफेक्ट, ठीक है। फिर देखें अगला क्वेश्चन, जब हैज बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आती है या फिर हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आती है और विल हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है, तो पहला वाला क्या हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन सभी के अंदर सिंस और फोर का यूज लगता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चल जाते हैं हम, अगले क्वेश्चन पे। राइट, प्लस और आइकॉनिक सब, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, देखो जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से लो। हाँ ये हो जाएगा प्रेजेंट वाला जी, फटाफट से लो। हाँ ये हो जाएगा पास्ट वाला, हाँ मतलब परफेक्ट वाले, और ये फ्यूचर वाले हो गए यहाँ पे। और प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ में लिंकिंग कोड यूज़ करके आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी तो ऑफ़र ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो 7 डेज की ट्रायल है वो अभी है, ठीक है जी, वो कर सकते हैं आप यहाँ पे। हाँ अब बात कर लेते हैं हम जी, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करवा दूंगा इसकी लिंक, वेबसाइट पे भी करवा दूंगा, बिल्कुल भी चिंता ना करिएगा। अब बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की। राइट, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, जस्ट अ सेकेंड, है ना, जस्ट अ सेकेंड। जी तो सब्जेक्ट के साथ, देखो यहां पे ध्यान से, सब्जेक्ट के साथ मॉडल वर्ब आता है, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये जितने भी आपको मॉडल वर्ब दिख रहे हैं, ठीक है, जितने भी मॉडल वर्ब दिख रहे हैं सभी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सबसे पहले मॉडल वर्ब से स्टार्ट करते हैं कि यार ये होते क्या है,
ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या होते हैं मॉडल वर्ब। अ वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर, यानी कि उसके मन में क्या बात चल रही है। जैसे मैं बोलता हूँ आई विल क्लियर द एग्जाम, तो इसका मतलब क्या है, मैं निश्चित ही एग्जाम ये क्लियर करूँगा। आई मस्ट क्लियर दिस एग्जाम, यानी कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना ही करना है। आई शुड क्लियर द एग्जाम, यानी कि मेरे को खुद को सलाह दे रहा हूँ कि मुझे ये करना है। और आई कैन क्लियर दिस एग्जाम, यानी कि मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। तो सब में अलग अलग डिफरेंस होता है सभी बातों में, हम देखते हैं क्या है। अभी मैंने आपको बताया हर मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्यों लगते हैं, कोई परमिशन की बात होती है, कोई एबिलिटी की बात होती है, यानी कि एबिलिटी का मतलब योग्यता, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, सजेशन एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह, जो हम सलाह देते हैं उसके साथ भी क्या लगेगा, मॉडल वर्ब लगता है। प्रॉमिस, नेसेसिटी, रिक्वेस्ट, इंटेंशन, जबरदस्ती जान पूछ के, प्रोहिबिशन, विश या प्रेयर, या फिर ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, इन सभी के साथ मॉडल वर्ब लगते हैं। चलिए देखते हैं, हाँ फटाफट से एक बार ये नज़र मार लो आप, यहाँ पे फटाफट से नज़र मार लो। ठीक है, राइट सर, आप इंग्लिश ग्रामर यूए पर कर दो प्लीज। जी इंग्लिश ग्रामर पूरा यूए पे पढ़ा है, डेली कराता हूं मैं 9:15 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मे और माइट क्या करते हैं, राइट मे और माइट, सबसे पहली काम है इसका पॉसिबिलिटी। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि आज बारिश होने की संभावना है तो क्या बोलूंगा मैं, इट मे रेन टूडे, यानी कि इसका मतलब क्या है, संभावना है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा आज बारिश होने की संभावना थी तो मैं क्या बोलता, इसका पास्ट, और मे का पास्ट क्या होता है, माइट, इट माइट रेन टूडे, ये थोड़ा ध्यान रखना है। मैं आज आ सकता हूं तो मैं क्या हूं, आई मे कम टूडे, लेकिन रात हो जाएगी तो देखो आज मैं आ सकता था, तो आई माइट कम टूडे। ठीक है, तो मे माइट का पहला यूज क्या है, संभावना बताना, पॉसिबिलिटी बताना। दूसरा जो मे और माइट का काम है वो है परमिशन लेना। देखो बहुत जरूरी है ये, हम बचपन से स्कूल में ये बोलते आए हैं कि मे आई कम इन सर, बोलते हैं ना हम यहां पे, मे आई कम इन सर, हाँ मे आई कम इन मैम, तो इसका मतलब होता है क्या हम अंदर आ सकते हैं। तो ये जो परमिशन है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पोलाइट मानी जाती है। क्या मानी जाती है, पोलाइट। जी आप एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं, अभी आपके पास आया है, उस नोटिफिकेशन में क्या है कि आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो 7 days का, कितने दिन का, 7 days का आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, आई थिंक 7th of May तक है जी, तो आप इसका पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं और उसको पूरे अच्छे से देखिए कि कैसे ये हो रहा है। अच्छा ले भी लिया, देख लो आप यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया, इसका फायदा जरूर उठाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देखें, मे आई कम इन सर हो गया, विश और प्रेयर, देखो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, हम जब भी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो वो क्या बोलते हैं, खुश रहो, है ना, फूलो फलो और बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें किस में आती है, मे में आती है। जैसे देखो ये कहाँ गया भाई, रुका यार, हाँ ये रहा, हम ऐसा लगाते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन कभी भी मे की जगह माइट मत लगाना, क्योंकि माइट लगा दिया तो हो जाएगा लफड़ा। माइट गॉड ब्लेस यू, कि भगवान तुम्हें खुश रख सकता था, वो अगला जो है, हाँ चाहे छोटा होगा चाहे बड़ा होगा, उठा के मारेगा आपको, ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। डैश आई गो आउट आस्ट हर सन, ठीक है, उसके बच्चे ने पूछा कि क्या मैं जा सकता हूँ, तो उसने उसके बच्चे ने पूछा है, यानी कि बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पूछा होगा पोलाइटली,
तो मे आई गो आउट। और अपन भी जब अपने पापा मम्मी से दादा दादी से जब पूछते हैं कि वो तो थोड़ा जाना है बाहर घूमने, तो कितने प्यार से पूछते हैं आपको अच्छे से पता होगा, है कि नहीं? तो वही है ये मे आई गो आउट। डैश अवर किंग लिव लॉन्ग, तो बिल्कुल मे अवर किंग लिव लॉन्ग एकदम परफेक्ट है। ही वेंट देयर, देखो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, वेंट का मतलब होता है पास्ट, वेंट का मतलब होता है पास्ट, तो यहाँ पे भी कुछ पास्ट का आएगा। ही वेंट देयर सो डैट ही माइट बोरो मनी, ठीक है? तो मे का क्या हो गया, माइट हो गया, एकदम परफेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैन एंड कुड, देखो कैन का मतलब है सकता है, कुड का मतलब है सकता था। कभी कभी कुड जो है एक पॉसिबिलिटी भी बताता है, संभावना भी बताता है, वो अभी हम लास्ट में चेक करेंगे, फिलहाल अपन ये देख लेते हैं। जैसे आई कैन टीच इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, ये मेरी योग्यता है, यानी कि मेरी एबिलिटी है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, ठीक है? इंग्लिश पढ़ाना बहुत खतरनाक है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, कैन का पास्ट क्या होता है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, यानी कि करीब 60, 70, 80 साल का हो जाऊँगा, तब तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, है ना? तो क्या हो जाएगा, आई कुड टीच इंग्लिश, तो जब मैं 80 साल का हो जाऊँगा तो मैं उनको बोल दूंगा कि ये वाला वीडियो देख लो भाई, है कि नहीं? तो आई कुड टीच इंग्लिश यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था, अब नहीं पढ़ा सकता भाई, बूढ़ा हो गया हूँ मैं। कैपेसिटी, मैं जो है हाँ 200 किलो उठा सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, हाँ, और आप लोग मेरी क्लास 3 घंटे अटेंड करने वाले हो, कर सकते हो, वो क्या हो गई, आपकी कैपेसिटी हो गई। तो आई कैन लिफ्ट 200 kg, पावर दिखाना, बिल्कुल पावर। आई कैन डू इट मतलब मैं कर सकता हूँ भाई ये, हाँ ठीक है, मैं ये बिल्कुल कर सकता हूँ। और आप लोग ध्यान रखिएगा, कैन नहीं लगाना, जुडिशरी का एग्जाम है तो कैन नहीं लगाना, विल लगाना। विल का मतलब क्या है, मैं निश्चित ही क्लियर करूंगा या करूंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है? आई कैन लिफ्ट 100 kg हो गया, 200 kg हो गया, क्यों नहीं पढ़ा सकते सर, हिंदी वाले गुरुजी तो पढ़ा रहे हैं अभी भी, क्या चीज? अच्छा हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल हाँ, बट वो 80 साल के थोड़ी ना है कोई, हाँ वो थोड़े छोटे हैं, इतना भी मत बुजुर्ग करो उनको, ठीक है? फिर आगे देखते हैं यहाँ पे, आई कुड लिफ्ट 200 kg, ये तो पक्का है कि भाई जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो 200 किलो नहीं उठा सकता। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट की भी बात करते हैं कुड, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करता है वुड, और पोलाइट रिक्वेस्ट की ही बात करता है मे, ये जो तीनों हैं ये पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं। चलिए देखें, कैसे लिखें, मे यू हेल्प मी कह सकते हैं, पर ठीक है, इतना कुछ इतना बेनिफिट नहीं है, हाँ ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहां पे बोलता हूं आई डैश डू दिस वर्क फॉर यू, ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए ये काम कर सकता हूं, तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए में या तो क्या आ सकता है, कुड आ सकता है, उस अगर कुड नहीं होगा तो क्या आ सकता है, मे आ सकता है, अगर मे भी नहीं होगा तो क्या आ सकता है, वुड आ सकता है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, अलग अलग ही आएंगे, तो ये तीनों इसके आंसर है, क्या है, तीनों ही आंसर है। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन या ऑफर, किसी चीज पे रोक लगाना या फिर किसी चीज पे जो है यहां पे अगर अपन बोलते हैं किसी को ऑफर करना हेल्प, जैसे कैन आई हेल्प यू, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि कैन आई हेल्प यू अपने आप से, तो कितनी अच्छी बात है ये, लेकिन अपन लोग क्या है कि शक की नजरों से देखते हैं अगले को कि ऐसे कैसे हेल्प कर रहा है, कौन है ये। यू कैन नॉट एंटर द रूम, यानी कि तुम उस रूम के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, विल और शैल, सिंपल सा है, अभी मैंने पढ़ाया था, विल का मतलब श्योर, शैल का मतलब शायद, यानी कि
नॉट श्योर, 50-50 कह सकते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ आई शैल कम टू द पार्टी, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि शायद है, अब सर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, फंसा दिया पूरा पूरा। विल बोलता हूँ आई विल कम टू द पार्टी, अच्छा सर तो सच में ही आ रहे हैं, एक और प्लेट लगानी पड़ेगी, तो इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड की बात करें तो वुड है वुड है जो ड्रीम्स होते हैं, जितने भी जो इमेजिनेशन होती है, ठीक है, और रिक्वेस्ट होती है, वो सब के लिए क्या लगेगा, वुड लगेगा। ठीक है, और अगर मैं यहां पे लिखता हूं पास्ट ऑफ विल, तो पास्ट ऑफ विल भी क्या है, वुड ही है। ठीक है, हाँ वो टेंस तो हटा दिया है, उसको मॉडल वर्ब में डाल दिया है, विल शैल को। अब देखो, अब वुड का देखते हैं यहां पे, आई वुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, माई गॉड, देखो मैं जो हूं ना, मैं, हाँ मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा इंडिया का। तो ये जो बातें हैं, जितनी भी जो बातें हैं, वो सब किस में डालते हैं, वुड में। ठीक है, राइट, और विल का पास्ट भी जो है यहाँ पे यही होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, वुड का काम है, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज के लिए है नहीं। कैन याद रखना है, मे याद रखना है, विल शैल याद रखना है, और अभी जो शुड आएगा वो याद रखना है। चलो देखें, मस्ट, चलो मस्ट का मतलब होता है कंपल्सरी, और ये जो कंपल्सरी है, कंपल्सरी का मतलब क्या है, अनिवार्य। अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब क्या होता है कि करना ही करना है। ठीक है, बिल्कुल करना ही करना है, एग्जैक्टली रुद्र आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जितने भी लोग बातें मारते हैं, बातें करते हैं, वो सब वुड वाले हैं। ना ना मुस्कान, आई वुड बी द जज ऑफ हाई कोर्ट, ये बातें नहीं हैं, ये आपको करना है तो आई विल लगाओ, विल, आई विल बी द जज। ठीक है, हाँ, जैसे यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यानी कि तुमको इंग्लिश जो है लर्न करनी ही करनी है। क्या है, करनी ही करनी है, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिए एक तो चीज। यू मस्ट अटेंड द क्लास ऑफ टूडे, देखिए आज जो है 7:30 बजे मेजर लॉस की क्लास है उत्तराखंड जुडिशरी के लिए, तो यू मस्ट अटेंड डेट क्लास। तो मस्ट का मतलब क्या होता है, अनिवार्य है करना, क्योंकि देखो गुजरात का एग्जाम आ गया है 7 तारीख को, और उत्तराखंड का कनेक्शन क्या है पता हूँ, करंट अफेयर्स का है, तो उधर से क्या पता उधर क्वेश्चन आ जाए, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। छोटी ई की मात्रा, ठीक है भाई, ये लो यार, हाँ ऐसे मत करो, आगे बढ़, वैसे ठीक है सिखा ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, द डॉटर आस्क्ड हर मदर इफ शी डैश गो आउट, ठीक है, डॉटर ने अपनी मदर से पूछा, तो पूछा था है ना, पास्ट हो गया ना पास्ट, तो यहां पे भी क्या आएगा, पास्ट ही आएगा। तो देखो वुड आएगा, माइट आएगा, मे आएगा, या फिर विल आएगा, चलिए देखते हैं कौन एकदम सही करता है। कुड तो ऑप्शन में ही नहीं है ना यार, हाँ देखो अगर वो ऐसे पूछती तो ऐसे पूछती ना कि मे आई गो आउट, और मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है, ऑप्शन नंबर, ठीक है माइट होगा इसका, ना वुड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश पास दिस टाइम एज ही हैज वर्क सेटिस्फेक्ट्री हार्ड, वो इस बार पास हो सकता है क्योंकि उसने बहुत अच्छे से मेहनत करी है। चलिए देखते हैं क्या आप करते हैं, वो इस बार पास हो सकता है क्योंकि इस बार उसने बहुत अच्छे से मेहनत करी है। तो कैन, माइट, मे या फिर शुड, तो देखो संभावना नहीं है, कर सकता है बोल रहे हैं, तो यहां पे क्या लगेगा, कैन, ही कैन पास दिस टाइम, क्या है, कैन पास दिस टाइम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो आप श्योरली पास हो जाओगे, तो यहां पे श्योरली एक वर्ड लिखा है। देखो श्योरली का मतलब क्या होता है, अभी बताया था मैंने, है ना, कि शायद का मतलब अगर शैल है तो श्योरली का मतलब क्या है, बिल्कुल विल है। वुड क्यों आएगा, वुड पता है कब आएगा, वो भी बता देता हूं मैं, इसका आंसर तो विल है। अब वुड कब आएगा वो सुनो, इफ यू
वर्कड हार्ड, यहां पे वर्क हार्ड है, यहां पे वर्कड हार्ड है। अगर तुमने अच्छा काम किया होता तो यू डैश पास, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यू वुड पास, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शी केम हियर सो डैट शी डैश मीट हर चाइल्ड, वो यहां पे इसीलिए आई है, आई थी, केम है ना, केम, केम क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। बताइए इसका आंसर। शी केम हियर सो डैट शी माइट, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, शी माइट मीट हर सन, हर चाइल्ड जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, शुड की बात करें, इसको मैं लगा रहा हूं स्टार, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। अच्छा देखो, तुम गुजरात की तैयारी कर रहे हो तो आप राजस्थान की भी करो, और राजस्थान के साथ दिल्ली की भी करो, और उत्तराखंड भी करो, यूपी भी करो, सब करो आप तो। हाँ, मेरी ये क्या है, एडवाइस है। तो जितनी भी सलाहें होती है फ्री फोकट की, जो एडवाइस होती है, वो सब किस में आता है, शुड में आता है। ठीक है, अपने मन की करो, जो चीज़ अपन से हो सकती है वो करो। ठीक है, लोड लो मत ज़्यादा, ध्यान रखिएगा। तो ड्यूटी और ऑब्लिगेशन की जब हम बात करते हैं, हाँ, तो वो क्या होता है, यू शुड डू योर जॉब सिंसियरली, ध्यान रखना। हाँ, अपने जो रिलेटिव्स होते हैं आसपास के, जो नेगेटिव लोग होते हैं, वो आपको घुमा देते हैं। अब एक जो स्टूडेंट है मेरी नज़र में, जो RJS की तैयारी कर रहा था, उसका GKGS से कोई वास्ता नहीं था, कोई वास्ता नहीं था। उस भाई साहब ने UP का फॉर्म भर दिया जिसमें GKGS आती है। UP का फॉर्म भरा तो कोई बात नहीं, UP के लोकल एक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। अब क्या है कि वो राजस्थान के लिए डीमोटिवेट हो गया कि सर मेरे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके नंबर आए सिर्फ बहुत ही कम, क्योंकि अब उसको GK आती ही नहीं थी। हाँ, बट फॉर्म भर दिया। तो इसी वजह से ध्यान रखिएगा, जो चीज़ में हम माहिर है, देखो ये अपन ऐसा कोई LDC का तो एग्ज़ाम है नहीं, है ना, जुडिशरी का एग्ज़ाम है, इसीलिए तो थोड़ा सा फोकस। ठीक है, तो ड्यूटी या ऑब्लिगेशन की बात करते हैं तो उसके लिए हम शुड लगाते हैं, यू शुड डू योर जॉब सिंसियरली। पर्पस की बात करें अगर हम, तो वर्क वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली का मतलब क्या, धीरे चलो, नहीं तो, ये जो लेस्ट का मतलब होता है ये क्या होता है, नहीं तो होता है। वर्क के बार बार वर्क पढ़ रहा हूं इसको, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, यानी कि धीरे चलो, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, गिर जाओगे भाई। ठीक है, तो ये है शुड। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी लेस्ट आता है तो आगे शुड आएगा, कन्फर्म। लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो। नेक्स्ट, शुड और ought टू में क्या फर्क है, उसके लिए हम क्या है अगली चीज जानेंगे। ठीक है, हाँ, जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं या रिस्पेक्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं या रिस्पेक्ट की बात करते हैं, तब तो हम क्या लगाते हैं, ought टू। लेकिन हर चीज पे, एवरी, सभी में क्या लगाते हैं, शुड। अब मजे की बात तो यह है कि जो ought टू है ये कब का अप्रचलित हो गया, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कोई यूज़ नहीं करता है एक जगह के अलावा, और वो कहाँ है, हमारा भारत महान। यहाँ पे अभी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में ये चल रहा है, और आप किसकी तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं एग्ज़ाम्पल। वी डैश रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट की बात आ रही है तो शुड तो लगेगा ही, लेकिन ought टू भी लगेगा। अब अगला क्वेश्चन जो आपकी तरफ से मन में आ रहा है कि सर दोनों ऑप्शन में आ गए तो क्या करेंगे, तो दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, या तो शुड आएगा या फिर ought टू आएगा। ठीक है, और अगर दोनों आ जाते हैं, अगर दोनों आ जाते हैं तो वो बोनस मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, बोनस। हाँ, यू डैश गो एब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, तो यू शुड गो, यहां पे ought टू नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, कोई भी रिस्पेक्ट की बात नहीं है ना कोई देशभक्ति की बात है, तो यहां पे शुड लग जाएगा, सिंपल। तो
सब चीज़ों से बचने के लिए याद रखना, सबके साथ शुड लगाना है. डेट्स इट, सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस. शी एडवाइस्ड डैड. देखो क्या किया उसने भाई, एडवाइस किया. एडवाइस मतलब सलाह दी भाई उसने. डैट आई डैश करटेल एक्सपेंडिचर. खर्चे पे थोड़ा कंट्रोल करो. ठीक है, पैसा किस लिए होता है? खर्चा करने के लिए होता है, ध्यान रखना. शी एडवाइस डैट आई शुड करटेल एक्सपेंडिचर. डैश यू प्लीज हेल्प माई सन. बताएं फटाफट इसका आंसर क्या आएगा. डैश यू प्लीज हेल्प माई सन. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला. सेकेंड वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. हाँ देखो, जब हम किसी से हेल्प मांगते हैं तो हम क्या लगाते हैं? कुड. कुड यू प्लीज हेल्प माई सन. लेकिन कुड के अलावा क्या आ सकता है? मे भी आ सकता है और वुड भी आ सकता है. इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं आएगा. कैन नहीं आ सकता. ठीक है, कैन आई हेल्प यू आ सकता है, लेकिन जब हम किसी से हेल्प लेते हैं तो हमको सीधा मांगना पड़ता है. आई टोल्ड हिम डैट आई डैश लीव नेक्स्ट डे. तो टोल्ड हिम है ना, टोल्ड पास्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा? विल का पास्ट होगा यहाँ पे. वुड, आई वुड. और वी डैश रिस्पेक्ट अवर, तो यहाँ पे एक आप शुड भी लगा सकते हैं और ought to दोनों लगा सकते हैं. ऑप्शन में सिर्फ ये दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यूज्ड टू. हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था, सोना 200 रुपए 10 ग्राम के थे, एक मिर्ची बड़ा जो है इतना बड़ा, एक रुपए में चार आते थे. लेकिन आज कितने रुपए का आता है? 20 रुपए का, 25 रुपए का, और जो सोना है वो 55,000, 60,000, पता नहीं क्या क्या. ठीक है, तो हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था, वो सब क्या है? यूज्ड टू, हुआ करता था. ठीक है, जैसे मैं स्कूल जाया करता था, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आई यूज्ड टू गो स्कूल ऑन साइकिल. ठीक है, मैं गया करता था. हाँ, वो भीड़े भी बोलता है बिल्कुल ऐसे. तो अब मैं क्या है कि स्कूल तो जा सकता हूँ लेकिन अब पढ़ने नहीं जा सकता. तो अब ऐसा कोई मत बोल देना सर वापस से एडमिशन ले लो. नहीं, ऐसा नहीं होता है. आई यूज्ड टू गो स्कूल ऑन साइकिल हो सकता है. आई यूज्ड टू गो रीड न्यू बुक्स इन लाइब्रेरी एट दैट टाइम. बिल्कुल परफेक्ट. लेकिन अब तो CPC, CRPC, IPC, IEA और बहुत सारे लोकल लॉज और इंग्लिश और GK भी पढ़नी पड़ती है कि नहीं? राइट. तो इससे ऊपर आऊं तभी आगे कर सकता हूं. अब देखो यहां पे लिखा है आई एम श्योर. ध्यान से देखो, आई एम श्योर द प्रिंसिपल डैश इन हिज रूम. क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि आंसर क्या है. बोलो श्योर का मतलब क्या होता है? बताओ फटाफट. अरे विल होता है ना, विल. श्योर का मतलब, हाँ श्योर का मतलब क्या होता है? विल होता है. बिल्कुल. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विल बी, हाँ, इन हिज रूम. क्वेश्चन खुद बोल दिया ना श्योर है, इसीलिए. ये क्या इंग्लिश में यही तो टेढ़ा काम है. जैसे आपके लॉ के अंदर आप वर्ड्स पकड़ते हो ना, हाँ वैसे इसमें भी है, हमारे इंग्लिश में भी है. नेक्स्ट, शी टोल्ड मी डैट शी डैश गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ. टोल्ड है पास्ट, यहाँ पे भी कुछ पास्ट का लगेगा. फटाफट बताओ क्या लगेगा. शी टोल्ड मी डैट शी वुड गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ. ऑप्शन नंबर सी हो गया, एकदम परफेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं. माई फ्रेंड, ये देखते हैं भाई कौन सही करता है. करिए करिए, फटाफट करिए. माई फ्रेंड डैश विजिट मी एवरी संडे व्हेन आई वॉज इल. फटाफट बताएं. यूज्ड टू, बिल्कुल. इसका आंसर क्या है? यूज्ड टू. जब मैं बीमार था तो मेरा दोस्त हर संडे आया करता था.
अब नहीं आता, बात खत्म हुई। यूज्ड टू, जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके अब आ गया है आपके सामने एक्टिव पैसिव। क्या आ गया है भाई? एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा कनेक्टेड है टेंस के साथ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट में, कितनी देर में, 18 मिनट में इस एक्टिव पैसिव को खत्म कर दूंगा और गुजरात के जुडिशरी में 2 नंबर पक्के। चलो देखें, हम लिखते हैं सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मैंने जोड़ दिया। तो सब्जेक्ट के साथ, बहुत अच्छे से सुनिएगा ये चीज़ को, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। सब्जेक्ट के साथ वर्ब और वर्ब के साथ क्या आता है? ऑब्जेक्ट। शी राइट्स अ लेटर, ठीक है, तो वो लेटर लिखती है। लेकिन एक्टिव से जब पैसिव में घुमाते हैं तो क्या है, सब्जेक्ट घूम जाता है, ऑब्जेक्ट घूम जाता है। तो जब सीधे सीधे बात करते हैं, क्या है, जब सीधे सीधे बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, और जब घुमा फिरा के जब बात करते हैं तो वो क्या होता है, पैसिव वॉइस। चलिए देखते हैं, ठीक है। हाँ, अ लेटर इज रिटन बाय हर, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये। देखो अभी तो क्या है, वार्म अप हुआ था, क्या हुआ था, वार्म अप। अब असली क्लास तो अब स्टार्ट हुई है, समझ लो। हाँ, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम दिमाग में ये ध्यान रखना, जब भी पैसिव वॉइस होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है, उसके साथ बाय और फिर सब्जेक्ट। देखिए, अ लेटर इज रिटन बाय हर, तो शी राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हर, बहुत ही सिंपल है। हाँ, चलिए देखें कैसे। जब हम, देखो एक आता है सब्जेक्ट, एक आता है वर्ब और एक आता है ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले जब प्रोनाउन आते हैं तो वो ये सब होते हैं, आई वी ही शी दे यू इट। और जब वर्ब के बाद में जो प्रोनाउन आते हैं तो आई किस में चेंज हो जाता है, मी में, फिर वी अस में हो जाता है, हिम हर दे देम यू और इट, ठीक है। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, तो आपका क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यू आर टॉकिंग टू मी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं, अभी अपन ने टेंस पढ़ा था, तो टेंस को अब घुमा रहे हैं अपन एक्टिव पैसिव के अंदर। जो माय मदर कुक्स फूड, मस्त बनाती है, देखो यहां पे माय मदर कुक्स फूड, तो क्या हो जाएगा, फूड। फूड को गिन नहीं सकते तो क्या आएगा, इज। कुक्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड, फूड इज कुक्ड। मदर है तो बाय माय मदर। कुछ भी चीज चेंज नहीं करनी है, रूल कितना है इसका, एक ही है, क्या है, एक ही रूल है, सिर्फ क्या है, एक रूल, ध्यान रखिएगा। तो फूड इज कुक्ड बाय माय मदर, कोई दिक्कत ही नहीं। सेकंड देखते हैं, आई राइट अ नॉवल, तो क्या हो जाएगा, अ नॉवल इज, क्या हो जाएगा, अ नॉवल इज, क्योंकि एक ही नॉवल है ना, इज रिटन बाय मी, अ नॉवल इज रिटन बाय मी, एकदम क्या हो गया, परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है, माय मदर इज कुकिंग फूड, तो देखें यहां पे क्या हो जाएगा, अभी अपन ने यही तो पढ़ा था, फूड इज कुक्ड बाय माय मदर, यही तो पढ़ा था, है कि नहीं, और यहां पे भी यही है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक साथ। चलो एक क्वेश्चन फिर से मैं आपसे पूछता हूं, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? हाँ, इसका आंसर मैं ही दे देता हूं, अभी टाइम वेस्ट नहीं होगा। आईएनजी फॉर्म होता है, कंटिन्यूस मतलब क्या होता है, आईएनजी फॉर्म। क्या यहां पे कहीं आईएनजी फॉर्म है, नहीं है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अब चीज का ध्यान रखना, अगर यहां पे लिखा है सिंगिंग, क्या है लिखा हुआ, सिंगिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, बींग संग, बींग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म,
अगर कहीं लिखा हुआ है प्लेइंग तो क्या हो जाएगा, बींग प्लेड। अगर कहीं लिखा हुआ है ईटिंग तो क्या हो जाएगा, बींग ईटन। इस तरह से कुकिंग लिखा है तो बींग कुक्ड हो जाएगा। अगले का बताएं, आई एम राइटिंग अ नॉवल का बताएं, फटाफट से मैं वेट कर रहा हूं, आराम से बताएं, कोई जल्दबाजी नहीं है जी। आई एम राइटिंग अ नॉवल जी, देखते हैं। अ नॉवल इज रिटन बाय मी। अ नॉवल इज रिटन है यहां पे, और यहां पे क्या है, आईएनजी फॉर्म है ना, तो क्या लगेगा, वेरी गुड, क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। बहुत ही बढ़िया, ऑसम, मजा आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। पास्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। बहुत टाइम बाद आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ जी, बहुत बढ़िया निखिल, मैं भी आपके बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ। राइट, वर्ब की सेकंड फॉर्म की। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना अभी, जो पुराने बहुत पहले मेरे से पढ़ चुके हैं और वो जो अभी आए हैं, सब पता है मेरे को कौन कौन है कौन नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। वो क्या, अभी मैं क्या है कि क्लास डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं खूब बातें करता अभी आपसे। ठीक है, बाकी सबका पता है मुझे, सबके कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। चलो, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट्स, तो द टीचर की उल्टा हो गया द स्टूडेंट्स। अच्छा, स्टूडेंट्स के साथ में हमको वॉज तो लगा नहीं सकते, तो क्या लगाना पड़ेगा, वर ही लगाना पड़ेगा क्योंकि प्लूरल है, वर। सेकंड फॉर्म कॉल्ड की और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, एक ही सही है, हाँ, वर कॉल्ड, हाँ, फिर आगे क्या हो जाएगा, बाय द टीचर, बाय द टीचर, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ये हो गया खत्म। शी डिड नॉट बाय द फ्रूट्स, तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट है, डिड वापस आता ही नहीं है क्योंकि अपना रूल फिक्स है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो क्या हो जाएगा, द फ्रूट्स। द फ्रूट सिंगुलर तो है नहीं, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो क्या हो जाएगा, बाय की सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है बॉट, बाय शी का क्या हो जाएगा, हर। ये अपना हो गया खत्म, बिल्कुल सही, वेरी गुड। द फ्रूट्स वर नॉट बॉट बाय हर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ रहा है मुझको तो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस देखो क्या होता है यहां पे, चलिए पहले वाले का आप बनाइए, दूसरे वाले का मैं बनाता हूं। ठीक है, दे वर डूइंग वर्क, वर्क, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल होता है तो वॉज लगेगा, वर्क वॉज, डूइंग का क्या हो जाएगा, बींग डन, क्योंकि आई एन जी फॉर्म है ना, आई एन जी फॉर्म, बींग डन बाय देम। चलिए देखते हैं पहला का कौन कौन बना सकता है। ठीक है, फर्स्ट वाले का कौन कौन बना सकता है, बताना है। दे वर डूइंग वर्क, वर्क वॉज बींग डन बाय, देखो बन नहीं रहा ना, हाँ ठीक है, अभी तक बन नहीं रहा है आपका जी, तो इसका बनेगा भी नहीं, अरे बनेगा ही नहीं, आप बना रहे हैं जबरदस्ती। मारवाड़ी में कहते हैं अगर इसको, कि आप इस चीज को माडानी बना रहे हैं, माडानी मींस क्या होता है कि जबरदस्ती जी। रेस्टोरेंट कैसे गाना गाएगा, हाँ ठीक है जी, तो ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग आना चाहिए था बीच में। तो कभी कभी एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो नन ऑफ दीज लिखना है, क्या लिखना है, नन ऑफ दीज, हाँ। आगे बढ़ते हैं, सबसे सिंपल है ये वाला, बहुत ही सिंपल है जी। अगर हैज़ आता है तो उसको किस में चेंज कर दो, हैज़ बीन में, ठीक है। अगर हैड आता है तो उसको किस में चेंज कर दो, हैड बीन में, ख़त्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो देखते हैं आगे, हाँ
द मास्टरपीस, लेकिन हमारे प्यारे स्टूडेंट्स ने बना दिया। हाँ, जो चीज़ इम्पॉसिबल थी उसको भी पॉसिबल कर सकते हैं अपन। ये देखो, इसका सबूत है, द मास्टरपीस हैज बीन क्रिएटेड बाय हिम। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे, बिल्कुल सही है। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हैव है ना, आई के साथ हैव आता है, ठीक है, लेकिन द न्यूज़पेपर के साथ में तो हैज आता है, क्या करें अब। द न्यूज़पेपर हैज नॉट बीन रेड बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, वेरी वेरी इजी। ठीक है, बस इसी को ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन आएगा हैव, दूसरा ऑप्शन आएगा हैज, हैव को काट के हैज पे टिक कर देना, बस इतना ही ध्यान रखना है। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात अगर हम करते हैं तो इंडिया हैड वन द मैच, तो क्या हो जाएगा, द मैच हैड बीन वन बाय इंडिया, हैड का हैड बीन हो गया, और ही हैड मिस्ड द लास्ट मेट्रो का क्या हो जाएगा, द लास्ट मेट्रो हैड बीन मिस्ड बाय हिम। जी, दिल्ली का मेट्रो फेमस, बहुत शानदार। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल था ये। हाँ, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट यही वाले आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, सारा का सारा खेल किसका है, हैज और हैव का है, जो मैंने टेंस में आपको पढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है आई विल डू द वर्क टुमारो, तो बहुत ईजी है, विल का हो जाएगा विल बी, विल का क्या हो जाएगा विल बी, और विल हैव का क्या हो जाएगा विल हैव बीन, ईजी, वेरी ईजी। ठीक है, हाँ, अभी तक एग्जाम में इसका क्वेश्चन नहीं आया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन किसका किसका आता है, एक प्रेजेंट सिंपल का आता है, एक पास्ट सिंपल का आता है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का आता है, और परफेक्ट तो मैंने अभी आपको बताया वो आता है बस, मतलब कि पास्ट टेंस अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत है। आई विल डू द वर्क का क्या हो जाएगा, द वर्क विल बी डन बाय मी और टुमारो, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। दे शैल ईट फूड इन द रेस्टोरेंट, इसमें ऑब्जेक्ट है ना, ध्यान रखिएगा, इसमें है ऑब्जेक्ट। अब ये जो इन द रेस्टोरेंट है ये परेशान कर रहा है, तो इसको तो क्या है, पीछे डाल दो, सिर्फ उसको फोकस करो। दे शैल ईट फूड, तो क्या हो जाएगा फूड, अब यहां पे शैल है ना तो शैल ही लिखना, ठीक है, फूड शैल बी ईटन बाय देम, और फिर पीछे क्या हो जाएगा इन द रेस्टोरेंट, बात खत्म। ठीक है, अगला, आई विल हैव ज्वाइंड द क्लास बाय नेक्स्ट वीक, तो विल हैव है, विल हैव को किस में बदलना है, विल हैव बीन को, खत्म, बस इतना सा ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी तो जस्ट इसके बाद वाली स्लाइड देख के आपका मन बहुत ही खुश हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, मन मोहित हो जाएगा आपका, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, द क्लास विल हैव बीन ज्वाइंड, हैव का हैव बीन कर दिया, बात खत्म हुई, हैव बीन ज्वाइंड बाय मी बाय नेक्स्ट वीक, और अगर जैसे ये है शी विल हैव वॉच द न्यू मूवी, तो द न्यू मूवी विल हैव बीन वॉच बाय हर, खत्म, विल हैव बीन के साथ में थर्ड फॉर्म लगानी है, वही है सीन सब। चलो अब जो है एक बहुत ही स्पेशल स्लाइड मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, और वो है ये वाली। ठीक है, आपको नहीं पढ़ना तो फिर कौन सा पढ़ना है देख लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, यही पढ़ना है, और एक बोनस के रूप में मैं आपको एक और दे देता हूं, फ्यूचर सिंपल।